भाई पुलिस को खबर हो गई है, शिवा यहाँ आता ही होगा। ए, हम नहीं डरते किसी शिवा से। अगर 10 लोग मिलकर कुछ करेंगे तो बड़ा जुर्म होगा, अगर 100 करेंगे तो वो हिंसक वारदात होगी, यानी कि जबरदस्त मुठभेड़ होगी। आने दो उसे। पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हुजूम को यहाँ से हटाओ। हमारे एरिया के एक आदमी की मौत हो गई है, इंसाफ चाहिए हमें। उस केस की जांच हो रही है, परमिशन के बगैर हुजूम लगाना गैर कानूनी है। ये हमारा शहर है, हमें परमिशन की जरूरत नहीं। आखिरी इंतबाह दे रहा हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो क्या करोगे? लाठी चार्ज करोगे? ईंट पत्थर फेंकोगे? हम नहीं भागेंगे। जो चाहे कर लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हरगिज नहीं हटेंगे। ए शिवा, तू पुलिस वाला है कि गुंडा? ए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना लाठियां ईंट पत्थर के तुम लोगों से गुफ्तगू करने चला हूँ। मैं इतना पागल भी नहीं कि पैर में गोली मारने के लिए कलेक्टर के हुक्मनामे का इंतजार करूँ। अपने फैसले खुद लेता है यह शिवा। ए शिवा, तू पंगा ले रहा है हमसे। क्या करेगा तू? तू मारेगा तो हम भी मारेंगे। बसे जलाएगा, हम तुझे जला देंगे। तू मारेगा तो कत्ल का आ जाएगा, हम मारेंगे तो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। उस कमीशन को कैसे जवाब देना है हम जानते हैं। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो सरहद पार जाकर दुश्मन और दहशतगर्दों से लड़ो, शहर में फसाद करके आवाम को परेशान मत करो। ए शिवा, तुम्हें खबर नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो? हमारी जात से उलझने की गलती कर रहे हो तुम। ए, जातिवाद, भाषावाद, रंग भेद और कट्टरपंथ की वजह से ही ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही फसाद होते हैं। लेकिन मेरे रहते अगर कोई भी गड़बड़ी की तो घुटने तोड़ दूंगा। ख्याल रखना, पूरी जमानत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मैं पुलिस नहीं, गुंडा हूं। देखो, पूरा अखबार खून खराबा और कत्ल के खबरों से भरा पड़ा है। क्या हो गया हमारे शहर को? आजकल अफराध के हाथ में खंजर होते हैं या तमंचा। जरा सा गुस्सा आया नहीं कि उड़ा दिया। तुम तो शादी में जा रही हो लेकिन जेवर भी नहीं पहना। अगर जेवर पहना तो मालूम नहीं मैं शादी में पहुंचूंगी भी या नहीं। इस सड़क पर बाइक चलाना बेहद खतरनाक हो गया। हाँ, कल ही दो बाइक वालों को लूटा और कत्ल कर दिया। लोग मंदिर में अक्सर हाथ धोकर आते हैं, ये दारू पीकर चले आते हैं। मंदिर के सामने दारू की दुकान है तो यही होगा ना। अब तो ऊपर वाला ही कोई तरकीब निकालेगा। एक बियर दे बे। अरे कल रात की बियर उतरी नहीं और तुम और लेने आ गए। अरे तुम तो बियर से मुंह धो रहे हो। अरे कौन है भाई तुम? शिवा, अरे क्या ये दुकान लगा के रखा है इधर? चार प्लेट इडली, चटनी सांबर नहीं चाहिए। क्या बात कर रहा है, बगैर चटनी सांबर के अलग से कैसे उतरेगी? देखता जा। इडली का कीमा बना डाला, बियर की सालन, रवा इडली, रसम इडली, सांभर इडली, फ्राइड इडली, मसाला इडली, इन सब इडली के बारे में सुना था। ये बियर इडली का कॉम्बिनेशन नया है। मेरे भाई, किस दुनिया से आए हो? नाम क्या है? शिवा। जय हो शिव शंभू की बियर इडली। जय हो। मैं बहुत ही अजीब इंसान हूँ। मैं लस्सी के साथ चावल खाता हूँ और आमरस के साथ करेले का जूस। शिव शंभू को हिचका रही है, पानी ला रहे। पानी? अरे पानी कौन पीता है? क्या रे, मेरे इलाके में हीरो गिरी करता है? अरे हट, छोड़ना नहीं है, निकाल निकाल निकाल, जरा जिंदा नहीं छोड़ना। किधर की पाबंदी में हम पुलिस वालों की रफ्तार देख रहे हो ना? लोग खामखा कहते हैं कि हम वक्त पे नहीं आते, आज पहुंच गए ना सही वक्त पर। तुम हमारी गिरफ्त में हो। वारंट किधर है? वारंट चाहिए इस मुजरिम को, वारंट के बगैर ये परमानंद कभी नहीं आता। ये ले पढ़ ले, पढ़ सकता है तो। जनाब मेरे साथ थाने चलिए और इस वक्त पाबंद परमानंद की इज्जत बख्श दीजिए।
क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए ना। देखा, आसानी से मान गया ना। बोतलें फेंक रहा था क्यों? मुझे फौरन पता चल जाता है, चील की नजर है मेरी और दिमाग कौए का है। ये मत सोच कि मैं डर जाऊंगा, अभी गेट खोल करके तेरी जम के पिटाई करूंगा। अबे खुले हुए गेट को क्या खोलेगा? अरे बंद कर, बंद कर। अबे ताला क्यों नहीं लगाया? अरे रुक रुक रुक, देख नहीं रहे उसके पास जमानती कागजात हैं? अगर कोई जमानती कागजात लेके आए तो उसे हवालात में नहीं रख सकते हैं। जमानत देकर आप बाहर आ जाइए जनाब। हाथ से लिखे को तो अरेस्ट वारंट बोलता है, 500 के नोट को जमानती कागजात बोलता है। अच्छी खिदमत कर रहा है दुकान भाई। जनाब जमानत। जनाब FIR लिखने के बाद हम उसे रिहा नहीं कर सकते। उसे छोड़ दो, इस आदमी को अंदर डालो ना। आदमी बदल सकते हैं लेकिन नाम कैसे बदले जनाब? इसका नाम क्या है? शिव शंभू। उसका नाम क्या है? शिवा। शिवा की जमानत हो गई, अब शंभू को अंदर डालो। इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? सुबह तो अंदर गए थे, शाम को बाहर। ये सब नोट का कमा ले रहे हैं। अच्छा असली माल कहाँ मिलेगा? मतलब ड्रग्स पाउडर, गांजा। अंधे गधे में अंदर से पूछता है गन्ने का कचरा किधर मिलेगा? गन्ने का कचरा, गांजा, ये उसका कोड नेम है। अच्छा कोई खूबसूरत हसीना यहाँ पे कहीं मिलेगी क्या? लड़की, MLA का कारोबार है होलसेल का बाजार रेड लाइट गली में। सारे नेता लोग उसको लॉज में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, नकली शराब खुलेआम बाजार में बनती है। उधर देखो, वहाँ पर अंडरवर्ल्ड डॉन के किराए के गुंडे हैं। हमारे इलाके में सुपारी लेने वाले भी हैं। हमारे यहाँ से कई सूबे में गुंडों की सुपुर्दगी होती है। जनरल सिंह इन सभी कारोबारों का बादशाह है। लेकिन आप ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तो खुद ही बगैर पूछे पटर पटर तोते की तरह बोल रहा है। मुफ्त का तमाशा देख लिया। क्या हो रहा है सब? छोड़ो उसे। अरे छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो। अरे छोड़ो सर, ये चोरी करके भाग रहा था। कमीने, इतनी भीड़ भाड़ में ब्रीफकेस चुराने की हिम्मत कैसे की? बोल। हाँ कांस्टेबल, इसको जीप में डालो। बोलो किसका ब्रीफकेस है ये? सर ये मेरा ही ब्रीफकेस है, इसमें 30 लाख रुपए हैं। तुम्हारा ब्रीफकेस है, थाने में आकर कागजात पे दस्तखत करके ले जाना। चलो जाओ यहाँ से, तमाशा हो रहा है क्या? चलो जाओ। जनाब नमस्कार। पहले ये बता कौन है तू? आप लूटपाट करेंगे तो हम लोगों का धंधा तो चौपट हो जाएगा ना जनाब। चल रास्ता छोड़। हेलो, जवाब दिए बगैर तो आप जा नहीं सकते यहाँ से। हे, चढ़ा दे जीप। तेरी तो अभी अभी छूट के आया, लगता है वापस जेल जाएगा। Oh!
रोक, छोड़ उसे। तेरे जैसे गुंडे मवाली की हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? बोल। चुप। तो इसको पुलिस वाला बोल रहा है? डीडी राठौड़। तू डीडी राठौड़ है कि दरिंदा राठौड़ है? 1200 रुपए की वर्दी पहनाकर पुलिस वाला बना दिया? ये ठुल्ला खुलेआम आवाम को लूट रहा है, चलो गिरफ्तार करो इसको। तेरे जैसा गुंडा मुझे सिखाएगा किसे गिरफ्तार करना है? बम बम बोले बेईमानों की पोल खोले, मुआसरे के दुश्मनों का सर फोड़े। नाम है शिवा, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन। ये कफन चोर मुर्दों के कफन से भी पैसे कमाता है, जिंदा इंसान के गुर्दे भी बेच कर खा जाए, गिरफ्तार करो इसको। सैल्यूट कर रहे हो या ठुमका लगा रहे हो? वंस मोर। यस सर। अब हमें सैल्यूट करना भी ये सिखाएंगे? ये झंडा किसने लगाया? मैंने लगाया जनाब। ऊपर से 3 इंच क्यों छोड़ा? जनाब मुझे 30 फीट ऊपर से 3 इंच का फर्क पता नहीं चला। फिर तो 30 फीट की दूरी से चोर नहीं नजर आएगा। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। मर गए, लगता है ये मुझे डिसमिस करके ही छोड़ेगा। मार्च पास करना आता है? ये सबके सब ऐसे ही हैं, अव्वल दर्जे के कम चोर, लेकिन मैं इन लोगों जैसा हरगिज नहीं हूँ सर। आप बस एक मरतबा मुझे हुक्म दीजिए सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा सर। दहशत गर्दों के कैंप में अकेले घुसने को कहूँगा तो घुसोगे? बकवास करते रहते हो बिना वजह। पहले अपने सेब लगाओ। यस सर। दाएं मोड़। सब लोग गौर से सुनो, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, जहाँ चाहो पार्टी बनाओ, जूते पहनो या मत पहनो, वर्दी पहनो या सिविल ड्रेस, कैप पहनो या गांधी टोपी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हुक्म की तामील जरूरी है, और अगर कोई बहस करेगा तो बगैर वार्निंग के सीधा सस्पेंड या डिसमिस कर दूंगा। 100 मुजरिम भले छूट जाए उसका गम नहीं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाला क्रिमिनल पर भारी होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर कोई भाईगिरी करे तो उसे वहीं के वहीं तोड़ो। अवाम के लिए दोस्त और गुंडों के लिए उनसे भी बड़े गुंडे बनो। तिरंगे के सामने झुके वही सच्चा पुलिस वाला कहलाता है। 5 किलोमीटर का दायरा होता है और इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, फिर भी इतने सारे जुर्म। इंस्पेक्टर परमानंद, बस लॉरी जो इस शहर में चलती है, वाइन शॉप, ज्वेलरी शॉप, किराने की दुकानें, लॉज, कॉलेज, कारोबारी, स्टूडेंट्स और सरकारी अफसर, डॉक्टर, वकील, मुझे इन सब की फिहरिस्त 24 घंटे के अंदर चाहिए। डॉक्टर्स की फिहरिस्त क्यों चाहिए सर? मैं फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी गाड़ियों के शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है, और वाहन सही जगह पर पार्क होने चाहिए। पब्लिक प्लेस में अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसे पकड़कर उससे वहीं के वहीं जुर्माना वसूल करो। सबसे जरूरी बात, खवातीन पर जुल्म करने वाले का मुंह काला करो, गधे पर बिठाओ और शहर में घुमाओ। लेकिन जनाब ये तो नया कानून हो गया। मैं कौन हूँ? नया DCP। तो कानून कैसा रहेगा? नया। मैं पुलिस वाला नहीं, गुंडा हूँ। अब कमीने, आराम से निकालो भाई, कहीं चोट ना लगे। राई, काली मिर्च, जीरा, मेथी दाना की सप्लाई में 50 और 100 ग्राम के पैकेट में करूंगा। शक्कर के पैकेट 1 किलो के होंगे, कल माल उठा लेना। ये रहे पिछले हफ्ते के पैसे और आज का बिल। हमेशा जिसको देते हो उसी को दो भाई, मेरी पोती को। भावना, भावना जरा इधर आना बेटा। दादाजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, इनसे पैसे लेकर संभाल कर रख लो। अच्छा, अरे ये शक्कर की बोरी जरा बीमार नहीं लग रही? इसका वजन कितना है? 100 किलो। दादाजी क्या आपने इसे वजन किया? नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। चलो वजन करके दिखाओ। ए, इसको कांटे पे रख। देखा, 94 किलो। 6 किलो कहाँ चले गए भैया? क्या रे, इसी बोरी में कम है या सभी बोरियां ऐसी हैं? अगर तुम्हारे मालिक को खबर हुई तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। जानते हो हमें हर पैकेट पे 5% कमीशन मिलता है। इतनी सी कमाई के लिए हम पूरे दिन मेहनत करते हैं और तुम नुकसान करने पर तुले हो। अब की बार माफ कर दो, आगे से ख्याल रखना। हाँ। चलता हूँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ। तुम्हारा बेटा सिर्फ नाम के लिए लेबर अफसर है बस। अगर ये दुकानदारों से थोड़ी बहुत रिश्वत ले ले तो कुछ पैसा आसानी से बना सकता है, लेकिन ये तो ईमानदारी सच्चाई की मूरत बना फिरता है। भुगत तो हम रहे, हम तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। दादाजी, बाबूजी को ऐसे मत बोलिए, हमारे घर में सिर्फ मेहनत की ही कमाई आएगी बस। रिश्वत लेना तो गुनाह है। माँ,
मैंने बस पास के लिए 100 रुपए लिए हैं। दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है दीदी, बाय बाय। मीनाक्षी। हाँ माँ। आज घर में इतनी खामोशी है, तुम्हारे पति देव कहाँ गए? क्या हुआ, कहीं दामाद जी पे फिर पंडित गिरी का भूत सवार हो गया? कोई हवन पूजा करवाने गए हैं, मालूम नहीं वहाँ कौन सा घोटाला हो रहा होगा। गाड़ी साइड में लो। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पूजा करवाने जा रहा हूँ, लौटते वक्त आपका हिस्सा दे दूंगा। ये सब बकवास बाद में करना, किनारे खड़ी करो और कागजात दिखाओ। कागजात मतलब? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मेरा तुम्हारा या मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का ऐसा बोलो ना। आरसी बुक ये लो। रोड टैक्स तो भरता हूँ लेकिन रोड का है। और ये क्या, बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी क्यों चलाते हो? ये देखो। ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हो आप? पुलिस वाले बगैर नोटिस दिए नियम बदलते हैं, इसीलिए हमने रखे ये सफेद, सिया और पीला नंबर प्लेट। अब तुम ही बताओ कौन सा नंबर प्लेट चाहिए, मैं अपनी मोटरसाइकिल के पीछे लगवा दूंगा। हाँ वो सब ठीक है, चलो लाइसेंस निकालो। लाइसेंस ये लो देख लो। अरे ये क्या है, तस्वीर से तुम्हारी शक्ल हरगिज नहीं मिलती। याद आ गया मुझको गुजरा जमाना, ये फोटो तब की है जब मैं एकदम छोटा था, जब मैं पैंट नहीं चड्डी पहनता था, वो भी होल वाली। वो वाली तस्वीर दिखाऊं क्या? आठ बनाना आता है? शू वाओ। अरे ओ भाई हवा में नहीं, मोटरसाइकिल से। आठ का आंकड़ा बनाया, आरटीओ ने मुझे लाइसेंस दिया है क्या? अच्छा सात बना कर दिखाओ। सात का आंकड़ा? मालूम होता है इसको चाय पानी के साथ खारी बिस्किट भी देना पड़ेगा। जी जनाब, सात क्या, साढ़े सात भी बनाऊंगा, पीछे बैठ जाइए। अच्छा वो कैसे बनाओगे? अरे बैठो तो सारे आंकड़े बना दूंगा, बैठो बैठो। सात का आंकड़ा चाहिए, अभी बनाता हूँ, चलो दो मचा ले आंकड़ा। अरे ये क्या करो? अरे अरे क्या करो? ये अरे तुम्हारे लिए जीरो। कितने बनाऊं ये बताओ? निकल गया ना पानी पैंट में से? सात बनाना है ना? ये लो। अरे ये क्या? अरे अरे रुक रुक रुक, पंजा बना कर दिखाता हूँ। अरे रुक। और ये छक्का, ये नौवा। अरे रुक जा। अरे ये नौवा। अरे अरे ये क्या, तुम्हारे साथ के चक्कर में मेरा तो हुलिया ही बदल कर रख दिया। बेटा तेरा वक्त बुरा चल रहा है। अरे मेरा एक हाथ किधर है? वो तो पुल पे ही गिर गया था, तुमने उठाया नहीं क्या? अरे तुम कौन सी दुनिया से आए हो भाई? मैं ले के आता हूँ। अरे जनरल सिंह को तो मैंने आज से पहले मंदिर में कभी नहीं देखा। ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम मुझे? किसी नुजूमी ने बताया था कि हर शुक्रवार को मंदिर जाओ वरना मर जाओगे, इसीलिए यहाँ आता हूँ मैं, समझ गए? यह शिव शंभू है ना, इसे तो एक रोज सिंगापुर पार्सल करके रहूंगा मैं। शंभू महाराज शिप तैयार है। हुजूर आप बस हुक्म कीजिए, बोलिए तो अभी के अभी पार्सल करवा दूं। आज करोड़पति है, पहले रोडपति था। इस मंदिर का प्रसाद हमेशा अच्छा बनता है, तभी तो खा खा के ऊं हो गया हूँ मैं। प्रसाद बनता भगवान के लिए और खाते हम लोग हैं, है कि नहीं? एकदम सही पहचाना तूने, 10 साल तक किसी मंदिर में भीख मांगी है, दे दे माँ दे दे बाबा। भीखू सिंह नाम था मेरा तब, और अब मैं हूँ जनरल सिंह, समझा? जनरल सिंह याद रखना। नमस्ते बॉस। उस आदमी को देखो, भगवान के मंदिर में गुंडे को माला पहना रहा है। मुझे माला क्यों पहनाई, तू भी दल बदलू हो गया क्या? नहीं नहीं बॉस, वो क्या है कि इलेक्शन आने वाला है ना, तो इन्हें आपकी मदद चाहिए। तुम दोनों को तो मैंने ही एमएलए बनाया था, अब क्या है, इसे भी बना देंगे? अरे हाँ, तुम्हारे वार्ड में एक ही पुल है ना, वहाँ से एक ही बस जाती है, भाई दूसरा पुल बनवाओ तो हमारा भी काम बने। जी बेहतर। चलो भाई चलो, इलेक्शन जीत जाओगे। और सुंदर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चल रहा है बॉस। जब ये मंदिर में भीख मांगता था तब चोरियां किया करता था, आज इसको देखो जल्द। मैं भिखारियों को भीख नहीं देता, इन्हें 10 लाख भी दे दूं ना तो ये आदत से मजबूर हैं। सोने का कटोरा बनाएंगे, सिंगापुर जाकर कहेंगे दे दे मारी, भीख ही मांगेंगे। बॉस कामना नगर का MP तीर्थयात्रा पर गया है। एक शख्स अब तक बिल में छुपा बैठा था, पार्लियामेंट में भी नहीं गया, आज इतनी हिम्मत कहां से आ गई, बाहर निकल आया। चलो काम खत्म करते हैं। हालात बेहद खराब हैं। है हम क्या सुपारी लेकर खून करते हैं? अगर मिशन फेल तो पैसे वापस, हम पॉलिटिशियन हैं, ऐसा कत्ल होते रहते हैं। बेचारा MP तीर्थ यात्रा से पहले मर जाएगा। सर
आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? रहने के लिए इतने घर देख रहे हैं, तो शादी के लिए कितनी लड़कियां देखेंगे? मनपसंद घर नहीं मिला तो पुलिस क्वार्टर तो है ही। सर, उस दुकानदार ने यही घर बताया था। देखते हैं। क्या चाहिए आपको? हम यहाँ घर देखने आए हैं। आप हैं कौन? मैं इंस्पेक्टर हूँ और सर DCP हैं। अच्छा यही रुकिए। दादी, दादी, क्या याद है पिछले हफ्ते पास वाले मोहल्ले में दो लोगों ने पुलिस बन के चोरी की थी? हाँ। वही लोग यहाँ हैं। क्या कह रही है, दरवाजा तो बंद है ना? दादी, कुछ भी करके उन चोरों को गिरफ्तार करवाना होगा। अरे मैं दादी हूँ, चाची 420 नहीं होगा। मामी, आप मिर्ची पाउडर लेकर तैयार रहना, जैसे ही मैं इशारा करूँ आप लोग जल्दी से आ जाना। अरे बेटा, नाइट ड्यूटी करके हम लोग लेट आएंगे और इन लोगों ने लॉक लगा दिया, तब हम क्या करेंगे? तो हम लॉक तोड़ देंगे, इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए, तशरीफ लाइए। ये देखिए, ये हॉल है, कितना बड़ा है। आप यहाँ पर सोफा रखकर उस पर बैठ सकते हैं, चाहे तो सो भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या, स्क्रू ढीला लग रहा है। स्क्रू ना? हाँ ढीला तो है, लेकिन मैं टाइट करवा दूंगी। दादी माँ है ओल्ड, लेकिन लगती हैं बोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, सुना होगा ना? बात फर्स्ट फ्लोर की हुई थी, आप ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हैं। ना 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 ना, ना। असल में ऊपर नीचे एक जैसा ही है, इसलिए सोचा कि यही हाँ। दिखा देती हूँ, बात तो बराबर है। ये घर के दरमियान आंगन, हाँ। उधर है स्टोर रूम, अपना राशन रखना वहाँ। ये पूजा घर, पूजा करने के लिए। आप पूजा करते हैं सर? और वो रहा बावर्ची, हाँ। आप पका सकते हैं, खा हाँ। सकते हैं, नाच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और ये देखो, यहाँ पर हम सो सकते हैं, आराम फरमा सकते हाँ। हैं। बिल्कुल सही फरमाया, जाओ जाइए देख लो। अरे जाइए ना। दरवाजा खोलो। मामी, मामी, जल्दी आइए, हमने चोर पकड़ लिया है, जल्दी। अरे चोर बोल रही है, जाओ ना, समझाओ ना उसको। हमेशा हम गिरफ्तार करते हैं ना, आज दो औरतों ने हमें गिरफ्तार कर लिया। रुको रुको, पुलिस को खबर कर दी ना। हाँ, कर दी, कर दादी माँ, पुलिस बस आती है। हम ही पुलिस वाले हैं, हर चोर यही कहता है। दादी माँ, हमारी बात मानिए। अरे जल्दी मिर्ची डालो। अरे क्या हुआ? अच्छा हुआ, आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। ये क्या सर, आप हंस रहे हैं? आइए आइए, दरोगा जी, दरवाजा संभाल के खोलिएगा। अंदर दो हड्डी कट के मुस्टंडे हैं, बंदूक में गोली तो है ना, वो जैसे ही सामने आए उनकी पिटाई करना कि फिर किसी के घर में घुसने की हिम्मत ना करे। ये सब क्या है, आप इन्हें चोर बोल रही हैं? ये हमारे नए DCP हैं। चोर पुलिस वाला है, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, हमें माफ कर दीजिए। पिछले हफ्ते उस गली में ऐसा ही हादसा हुआ था, इसलिए हम घबरा गए थे, मेरी पोती को गलत फहमी हो गई। सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। चलिए, दरवाजा उधर है, नजर नहीं आता। नजर कैसे आएगा, आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया है। नमस्ते सर। अभी बख्श दिया तो आगे बहुत बड़ा सिर दर्द बन जाएगा, देख लेना। मैं DCP आपसे मिलने आए हैं। खुशामदीद डिप्टी कमिश्नर, नाम षष्ठ शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह तबादला हुआ, यह 8वां तबादला है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार अफसर हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे आने से यहाँ पर थोड़ी तब्दीलियां आई हैं। देख क्या रहे हो भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे मुझे खबर मिल जाती है कि मुल्क में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है, तुम्हारा असली नाम भेगो सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 130 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 116 तुम्हारी है और जिनमें से 36 गैर कानूनी है। खलासी दरिया से रेड ढोने वाले ट्रकों में से 75 तुम्हारे, जिनमें से 3 गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहरों में जाती है, वो भी बगैर परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहां गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों के कारखाने हैं जो शिवाकाशी में है। इस सब के अलावा, चाहे जिस पार्टी की हुकूमत हो, 8 सालों में तुम जीतने और हारने वाले MLA MP को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो खबर अखबार में छपती है और ना ही कोई तस्वीर। इतना सब खबर है तो मुझे सुकून से तुम रहने नहीं दोगे? लेकिन अगर कार्रवाई की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं हो, रिश्वत तुम लेते नहीं हो। तो अब फरमाओ, कहाँ तबादला कराऊं तुम्हारा? किस अहमक ने कहा कि मैं रिश्वत नहीं लेता? अरे किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो, कुर्सी दो साहब को, चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ फरमाओ, क्या मदद चाहिए? मेरे ड्यूटी अच्छे से अंजाम देने में तुम मेरे काम आ सकते हो। आखिर वो कैसे? तुम्हारी गाड़ियाँ स्पीड लिमिट तोड़कर तेजी से भागती हैं और दनादन हादसे होते हैं, उन सबको कानून के दायरे में रख के गाड़ी चलानी होगी। दारू पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं, मुझे उनकी फिक्र नहीं है, जहन्नुम में जाएं। लेकिन टल्ली होकर सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रुकूंगा।
तुम्हारे बिना लाइसेंस के शराब की दुकानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी शराब की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास हैं, उससे आवाम को परेशानी होती है, यह मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से फरमा तो तुम बजा रहे हो, एकदम दुरुस्त है। ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई साहब को दो लीजिए। चलता हूं। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना, अपनी जात क्या बताई थी तुमने? वो तो मैंने बताया ही नहीं। बॉस क्या किया आपने, उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला अरे है। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पर हुक्म नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये शख्स उन सबसे अलग ही है। ये तो हमें भी मालूम है कि वो शराब की दुकानें हमारी नाक में दम कर रही हैं। उनको वहां से हटाकर देखते हैं। यार इस बार में स्टीम लेके मजा ही अलग आता है। ये नौटंकी करने से बेहतर है जाकर अपने बाल कटवा दो। तू जलना बंद कर, मेरे बाल तुझसे बेहतर है, इसीलिए तू जलती है ना। तुझे खबर है क्या, सड़क पिक्चर में संजू बाबा के बाल, धूम पिक्चर में जॉन बाबा के बाल, इन सभी लोगों ने मेरी स्टाइल को कॉपी किया था। तुम स्टाइल ही मारते रहोगे या जाके घर के लिए कुछ पैसे कमा कर लाओगे? अब क्या करूं मैं, पिछले हफ्ते जिस दूल्हे की शादी कराने गया था, जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरे होश फाख्ता हो गए और चोटी भी खड़ी हो गई। तभी मुझे ख्याल आया कि इस लड़के की शादी तो मैंने पिछले हफ्ते ही करवाई थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने लोटा उठाकर दे मारा उसके सिर पे। मैंने कहा मैं एक बीवी को जेल नहीं पा रहा हूँ, तू दो दो शादी कर रहा है। उसने एक उल्टा हाथ मुझे खींच के दिया और कहा कि वो मेरा जुड़वा भाई था। अभी से मेरी क्या गलती? अच्छा तुमसे गलती नहीं होती, तुमसे शादी करने की ना। ठीक है तुम जाओ कुछ काम करके पैसे कमा के लाओ, खाली हाथ मत चले आना। ठीक है जाता हूँ, पहले बाल पे काला टीका तो लगाओ। बाल तो काले ही है ना, देखा तुमने, आजकल गुंडे बदमाश बाहर लटकते नहीं है बस के। हाँ हाँ, जब से हमारे नए डीसीपी आए हैं ना, तब से सब अच्छा ही हो रहा है। अरे मेरी चेन। सबको चेक करो, किसी को जाने मत देना। मिर्ची अच्छी, तशरीफ लाएं, कतार में खड़ी हो जाएं। शरीफ लोग कतार में क्यों खड़े होंगे, हम चोर नजर आते हैं। क्यों, तुमने शरीफों की आंखों में मिर्ची पाउडर नहीं फेंका था? अरे सुनो वहाँ क्या हो रहा है? चेन स्नैचिंग केस जनाब। मालूम नहीं कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। हाथ निकालो, निकालो जेब से हाथ निकालो। वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमें कॉलेज जाना है, देर हो रही है। ठीक है जाने दो इनको। सर अपनी ड्यूटी के दरमियान मैं किसी को नहीं आने दे सकता, क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं चोर हूँ ना सर। क्या है यार, तुम लोग जा सकती हो, लेकिन बस चेकिंग पूरी होने के बाद जाएगी। तो फिर हम कॉलेज कैसे जाएं? ऑटो से चली जाओ। पैसे क्यों भाई, कॉलेज जाती हो पर्स में 200 रुपए नहीं रखती? इतने पैसे क्यों रखूंगी, हमारे पास बस पास है ना, अगर पास खो जाए तो आने जाने के लिए 30 रुपए लगते हैं, और लंच के लिए दही चावल अचार रखा हुआ है, तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएंगे? ठीक है मैं पैसे देता हूँ। अरे सुनो ऑटो बुलाना। हम अनजान शख्स से पैसे नहीं लेते। कर्ज समझ के पैसे ले लो, बाद में दे देना। लगता है कुछ गड़बड़ है सर। रोज रात देरी से पहुंचता हूं, खाना भी मैसर नहीं होता, बीवी खफा हो जाती है, कम से कम आज तो जल्दी छोड़ दीजिए। देर और रुकते हैं फिर चलते हैं। ना ये खुद शादी करेंगे ना मुझे शादी के मजे लेने देंगे। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा था शादी ना करने वाले लोग कितने खुशहाल होते हैं। कौन है तुम लोग और कहां से आ रही हो? सर फिल्म देखने गए। फिल्म देखने बिना शोहर के? कौन सी फिल्म देखी? DDLJ। रहती कहां? यही पास में। पास में, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है, ये टॉर्च लो और जाओ। नहीं हम चले जाएंगे। ले जाओ कोई बात नहीं, कल अपने शौहर के हाथों पुलिस स्टेशन भिजवा देना। हाँ। ठीक है साहब, शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपकी टॉर्च सर, आपने मेरी वाइफ की हेल्प की, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बड़ा आया बीवी वाला, क्या रे कैसा मर्द है तू, बीवी को तन्हा आखिरी शो में फिल्म देखने भेजता है, उसके साथ जाना चाहिए ना। एक तो अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है और उसका ठीक से ख्याल भी रखना नहीं आता। जब कोई बदमाश उठा के ले जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ आएगा कंप्लेंट करने। क्यों, शहर में औरतों की इतनी सारी आबादी है, उन सबके बॉडीगार्ड बनके घूमते रहे क्या हम लोग? परम सुनो सर, उन सारे पतियों को हवालात में डालो जो अपनी बीवियों को नाइट शो में तन्हा भेजते हैं। यस सर। एक मर्दबा इनकी शादी हो जाए फिर मालूम चलेगा। क्या बोला? कुछ नहीं सर, टॉर्च चेक कर रहा था। बच्चे मन के सच्चे सारी दुनिया के। बेटा कान में मुतना नहीं। ये सब क्या है जी, ये किसके बच्चे हैं? नजर नहीं आ रहा है क्या,
ये बेचारे बच्चे बहुत थके और भूखे, इनको खाना दे दो। अरे बाप रे, पाप लगेगा, पाप। पाप क्यों लगेगा? काँ, 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 काँ। दादाजी ऐसे क्यों चीख रहे? पिछले जन्म में कौवे थे क्या? ये क्या कह रहे हो, वो कौवों को आवाज दे रहे हैं। कौवों को खाना खिलाओगे लेकिन इन बेचारे बच्चों को नहीं? कौवे हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज। पूर्वज? ये काले कौवे हमारे पूर्वज हैं। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, भूल गए? झूठ बोले कौवा काटे। परंपरा का मजाक उड़ा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। माफ कीजिए दादाजी, लेकिन ये कौवे अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेंगे, कहीं भी चोंच मार सकते हैं। इनका ख्याल रखने के लिए इनको बनाने वाला वो ऊपर वाला है ना, लेकिन इन मासूम बच्चों की तरफ तो देखिए, इनका ख्याल कौन रखेगा? इनके लिए ऊपर वालों ने हमें ड्यूटी ऑफिसर बनाया है, तो हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ना। दादाजी आप इन कौवों को खाना खिलाकर खुद के सफेद कपड़े पीले करवा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पहले ये कौवा यहाँ दूध में बनी खीर खाएगा, उसके बाद वो कहीं जाकर सड़क पे मरा हुआ चूहा खा लेगा, और फिर उसके पेट में खीर को देखकर मरा हुआ चूहा कूदने लगेगा, है कि नहीं? फिर उसे एसिडिटी और गैस की तकलीफ होने लगेगी, फिर वो यहाँ वापस आकर आप पर अपना पेट हल्का कर देगा। आपकी इज्जत तो गई पानी में, खिलाओ कौवों को। अरे जेब में 100 रुपए भी नहीं रखता। ए चल चल निकल निकल निकल। सर उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए 50 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसके पास वो भी नहीं थे। वाह, मान गया तुम्हें। 50 रुपए में अपना जमीर बेचते हो, तुम्हें तो उसे 500 रुपए लेने चाहिए थे। अगर 500 रुपए मांगते तो वो झक मार कर लाइसेंस बनवा कर ले आता। क्या कह गए सर, रिश्वत लेनी है कि नहीं लेनी है, कुछ समझ में नहीं आया। आजकल तो बड़ी खोई खोई सी लगती है। सर वहाँ पर नाकाबंदी कर दी है। जिसी भी वहाँ खड़े हैं, मैं उन्हें ऑटो के पैसे देकर आती हूँ। अरे लेकिन बस चली जाएगी तो? उससे पहले मैं आ जाऊंगी। कब खत्म होगा ये सब? इसका फैसला अब अगले माह की 10 तारीख को होगा। तुमने तो कहा था कि एक रोज का काम है ये। जनाब आज ही काम हो जाएगा। ओ हेलो, ये क्या है? उस रोज आपने ऑटो का किराया दिया था, ये लीजिए उसके पैसे, 60 रुपए हैं। रुको रुको, 120 रुपए की बजाय 60 रुपए क्यों दे रही हो? 120 रुपए? मीटर में तो सिर्फ 60 रुपए ही हुए थे। लेकिन उसने वापसी का भी किराया लिया ना, मुझे तो उसको वो भी देना पड़ा। मर गई। ये 60 रुपए वापस देने के लिए पूरी रात जाग कर मिर्ची के पैकेट बनाए हैं मैंने, और पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अरे भावना। हाँ? अरे बाप रे, मेरी बस चली गई, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊँ? ऑटो पकड़ लो। ऑटो का किराया? कुछ रातें और जाकर मिर्ची के पैकेट बना लेना, जब पैसे जमा हो जाए तो मुझे लौटा देना। डब्बे में दही चावल और अचार तो रहता ही है। नहीं नहीं नहीं, आज मैं दाल चावल लेकर आई हूँ। वो भी ठीक है। अब ये तुम अपने पैसे उठाओ और यहाँ से 9 से 11 हो जाओ। ये लो पकड़ो वरना लेट हो जाएगा। ए ऑटो बैठो। लेकिन ये तो आपके पैसे हैं। वो सूद समेत ले लूंगा मैं। ए सुन सुन। जी जनाब। कहाँ गए तू? गांधीनगर। कौन सा एरिया? माथोबाग। थाने का नंबर मालूम है ना? जी जनाब। इनको कॉलेज छोड़ने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है जनाब। जाओ। जनार्दन। जी जनाब। जाओ जरा ऑटो का पीछा करो। जी। उन्होंने तुम्हें फोन करने को क्यों कहा? वो क्या है ना, मेरी शक्ल थोड़ी गुंडे मवाली की तरह है, इसलिए उन्हें शक हुआ होगा। वैसे मोहतरमा, वो क्या आपके रिश्तेदार हैं? बड़ी फिक्र है उन्हें आपकी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो उन्होंने अपना हवलदार हमारे पीछे क्यों लगाया है? मोहतरमा, शिवा सर के आने के बाद शहर का नक्शा ही बदल गया है। दिन दहाड़े होने वाली गुंडागर्दी भी बंद हो गई है। अब देखिए ना, ऑटो चले ना चले लेकिन मीटर एकदम सही चलते हैं। निहायत ईमानदार हैं हमारे नए DCP। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो तुम उस पुलिस वाले से दूर ही रहना, वरना मैं चाची मामी को बता दूंगी। तुम चाची मामी को बताओ या फिर शिव जी को। फिर से शिवा का नाम लिया? वो नेक इंसान है, निहायत ही ईमानदार भी। भावना, खबर है आज के फंक्शन के अहम मेहमान कौन है? डिप्यूटी कमिश्नर शिवा। ये क्या किया आपने? आपने तो मेरा कारोबार ही तबाह कर डाला। पहले एक आध धमाका तो सुनाई देता था, अब ऐसा सन्नाटा है, लगता है मैं बहरा हो गया। क्या रे, तुझे भी बम लगाने के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं? हाँ। मैंने तुम्हें 35 एकड़ की पटाखा फैक्ट्री का मालिक बना दिया वहाँ शिवाकाशी में, और तुम यहाँ खम्बे की तरह मूरत बन के खड़े हो। थू है तुम पर। नौकर की वफादारी तब तक होती है जब तक वो अपने मालिक के आगे पीछे घूमता रहे। इसे यहाँ से जल्दी दफा करो वरना यही बम फोड़ देगा ये। अरे अब जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। तुम्हारे बॉस कहाँ है? सर वो डुबकी लगा है। वैसे लोग पानी के अंदर 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन हमारे बॉस कमाल के हैं, वो 10 मिनट से ज्यादा रह सकते हैं। खुशामदीद शिवा, आओ आओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई, हैरान हो रहे हो कि मुझे कैसे इल्म हुआ कि तुम आए हो? बचपन से ही मुझे यहाँ नहाने की आदत है, पानी के अंदर से ही मैं देख लेता हूँ कि कौन आया कौन गया। ऐसा है ना?
मैंने इसको एमएलए बनाया और इसको देखो, बेवकूफ ने तैश में आकर बड़े बड़े वादे कर दिए, ये करेगा वो करेगा, वाटर सप्लाई शुरू करवा देगा, वादों का पिटारा खोल दिया इस अहमक ने। अपने सीएम जो है ना, स्टेज पर कुछ कहने से पहले मुझसे पूछते हैं, लेकिन ये बगैर पूछे लंबी फेंक आया, मेरा नहाना मुकम्मल होने के बाद इस शहर को पानी मिलेगा। शिवा मुझे गलत मत समझना, मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, लेकिन अगर गुस्से में आ गया तो किसी को नहीं छोड़ता। देखो सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, टाटा सुमो क्वालिस, लेकिन तुमने गौर किया मेरे पास एम्बेसडर क्यों है? नुजुमी ने कहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं इस गाड़ी में ना घूमा तो। वार्ड नंबर 75 का कॉर्पोरेटर आपका नाम लेके हमें टेंशन दे रहा है। कौन है रे ये बदमाश, हमारा नाम लेके हमें बदनाम कर रहा है? बुलाओ उसको फौरन। ठीक है बॉस, उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ठीक है चलता हूँ। ये कितना अच्छा बंदा है, हर काम मुझसे पूछ कर करता है। हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे खास मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब से आप इस शहर में आए हैं क्राइम रेट काफी कम हो गया। अगर आपको कभी किसी मदद की जरूरत पड़ी तो जरूर याद कीजिएगा, डीएम होने के नाते मैं जरूर करूंगा। शुक्रिया जनाब। ये अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और दो शब्द कहें। एक्सक्यूज मी, मुझे इस शहर की मिठाई पसंद है जैसे हलवा। इससे जरा बच के ही रहना तुम। और मैं दाद देना चाहूंगा इस शहर की लड़कियों की, बड़ी हिम्मत वाली और समझबूझ वाली। इस शहर की लड़कियां छाता लेकर ऐसे चलती हैं जैसे उनके पास कोई हथियार हो। यहाँ की लड़कियां झांसे की रानी की तरह हैं। मैं आप लोगों को अपने पास हथियार रखने को नहीं कहूंगा, आपके घर में जो मिर्ची पाउडर है आप उसी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मिर्ची पाउडर से ही मुझ पर हमला हुआ था, सच कह रहा हूँ। ए, वो तेरे ही बारे में बोल रहा है? इस शहर की एक बहादुर लड़की ने मुझे चोर समझ लिया। सुन रही है ना तू? मुझे और मेरे असिस्टेंट को कमरे में बंद कर दिया और मिर्ची पाउडर छिड़क दी। वो लड़की इसी कॉलेज की है। अरे सर, बताइए सर, बताइए। वो रही जो लड़की सियाह दुपट्टे में है, वो रही। आओ स्टेज पर आओ और अपनी ही जुबानी बता दो क्या हुआ। ए, तुझे ही बुला रहा है, जा ना। नहीं, अरे जा। नहीं, नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे जा ना। भावना प्लीज स्टेज पर आ जाओ, जा जा। पुलिस महकमे की जानिब से मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। इनकी बहादुरी बेमिसाल है, ये बहुत ही होशियार है। आपकी खूबियाँ मुझे बहुत पसंद है। भावना, कहाँ से आ रही हो? ये हार किसने दिया? ये हार मुझे शिवा ने दिया। क्या कहा? मतलब दादी, ये हार भगवान शिवजी का, शिवजी का हार है। तो जाओ मंदिर में उन्हें वापस पहना दो। जी दादी। जाओ। अरे बच्चों, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ सबके साथ यहाँ खड़े रहो। अरे अरे, ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे देश के मुस्तकबिल है। और जात पात रंग भेद का क्या? रंग का फर्क झंडे में अच्छा लगता है, दिलों में सारे रंग एक से होने चाहिए। ये छोटी जात वाले हैं। क्या जात पात में फंसे हुए हो? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर के पास जाते हो तो उससे पूछते हो कि उसकी जात क्या है? स्कूल में पढ़ने वाले टीचर की जात पूछते हो? ये जात पात बनाने वाले हम इंसान ही है। इस हवा, इस पानी की जात क्या है? कण कण में भगवान है। अगर उसकी जात किसी दिन पूछ ली तो खाने पे आफत हो जाएगी तुम लोगों की। पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। ये क्या चलो भाई, चलो यहां से। हमें जो मिठाई मिलने वाली थी वो भी नहीं मिलेगी। मेरे नादान से प्यारे से बच्चे, आ मैं तेरा दर्द अपने सीने से लगा लूं। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन के लिए हमारे कई भाइयों ने अपनी जान कुर्बान की है। आओ मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। ये देखो, मालूम है ये कौन है? हाँ मालूम है, पुलिस इनकी तलाश कर रही थी ना। पुलिस तलाश कर रही थी? नहीं, हमारे सुपरस्टार को अगवा किया था। आजकल के शैतान बच्चे एक महान इंसान को कह रहे हैं, क्या होगा इस मुल्क का? आज अगर ये जिंदा होते तो ये सुनकर दोबारा मर जाते। नेताजी, लगता है कोई नई पार्टी बना रहे हैं, हमें भी शामिल कर लो। ए, मैंने कब कहा कि मैं पार्टी बना रहा हूँ? अरे झंडा लगा के लोगों को जमा जो किया था अभी। हाँ बात तो तूने सही कही, आजकल कोई भी झंडा लगा के हुजूम इकट्ठा करके पार्टी बना लेता है। मैं आपका पीके बनूंगा, पार्टी का सेक्रेटरी बनूंगा, पार्टी का प्रचार भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। सेक्रेटरी बनेगा तो उसके पैसे पेशगी में ले ले। ये लोग बेचारे बेहद गरीब हैं, आप लोग इनके चोरी हुए सामान ढूंढ दीजिए ना। आप ये क्या कह रहे हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। क्या कहा था आपने, 4 सोने के कंगन और 1,00,000 रुपए नकद, इतना सब कुछ कोई घर पे रखता है क्या? आपको इतनी भी अक्ल नहीं है? इनके चीजें ढूंढ दीजिए। अरे वही तो कर रहे हैं, अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है? लापरवाही करें आप और भुगते हम। अच्छा सुनिए, नाम क्या बताया था आपने? नारायण। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। ए, इतने कीमती सामान घर पे छोड़कर पूरा खानदान पिक्चर देखने गया था क्या?
हेलो, शिवा स्पीकिंग। हेलो, मैं भावना बोल रही हूँ। कौन भावना? वही जिसे आपने ऑटो का किराया दिया था, याद है? अच्छा, मिर्ची पाउडर। क्या बात है, कैसे हुई चोरी? जनाब, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लोहे की सलाखों से कुंडी तोड़ी, उंगलियों के निशान ले लिए, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स आते ही होंगे जनाब। हेलो परम, सुनो, मुझे उन चोरों की फियरिस चाहिए जो लोहे के सलाखे इस्तेमाल। एक मिनट जनाब। हाँ बोलो। सतीश साहू, मंगेश कुमार, अनवर मार्शल, डेविड परमेश्वर, फिलिप्स, ये सारे लोग हैं जनाब। सबको तलाशो और मुझे इत्तला करो, ठीक है? जी जनाब। 35 साल तक कड़ी मेहनत करके मैंने ये सब बनाया था। आपकी मेहनत की कमाई है ना, आपको मिल जाएगी। हेलो सर, सारे चोरों को पकड़ लिया है, बस एक मार्शल डेविड नहीं मिल रहा है। तलाशो उसको। मैंने सारे जेवर इसकी शादी के लिए रखे थे, अगर नहीं मिले तो मैं इसकी शादी नहीं कर पाऊंगा। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, रोइए मत। सर, चोरी मार्शल डेविड ने ही की है। अच्छा, उसने चोरी करने से पहले पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। हमें डूब मरना चाहिए, कहाँ है वो कमीना? हमने उसे पकड़ लिया है सर। ठीक है, सारा सामान लेकर यहाँ पहुँचाओ, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान है। सबके बयान ले लो सर। हाँ परम, ले आए। ये लीजिए सर। ये लीजिए आपकी अमानत, देखिए सब चेक कर लीजिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे वालिद की तरह हैं, आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं? आप हमारे परिवार के लिए भगवान बनकर आए हैं। स्टेटमेंट ले लो सबके। आपने हमारी इज्जत बचाई, हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलता हूँ। आप बड़े होशियारी से चोर को पकड़ लिए, मुझे आप पे फक्र है। बस जरा अपने पेट की चर्बी कम कर लो, वरना चोर के पीछे भागोगे कैसे? क्या हो गया, सफेदी की चमकार? कहाँ जा रहे हो, टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो क्या? विजय राज, हमारे यहाँ बहुत नाइंसाफी हो रही है। कैसी नाइंसाफी? तुम्हें क्या लगता है, पुलिस वारदात होते ही आ गई? हाँ? और एक ही घंटे में वो चोर को पकड़ के भी ले गई। अरे पहले वही चोरी करवाएंगे, फिर चोर पकड़ने की नौटंकी करेंगे, सब इनकी मिली भगत है। पुलिस चोर को ना पकड़े तो वो गलत है, और अगर वो पकड़ ले तो उसकी मिली भगत है। तुम जैसे लोगों की तो तुम इनकी वकालत क्यों कर रहे हो? सुनने वाले कुत्ते को भी एक दिन लग जाता है चोर पकड़ने में, फिर इन्होंने एक घंटे में कैसे कर दिखाया? अरे हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, और तुझे मालूम नहीं हमारे देश की पुलिस पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। ऐसा क्या कर सकती है? तुझे गिरफ्तार कर सकती है अगर तेरे पास हथियार है। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, देखो ये लो पकड़ो। इसके पास हथियार है, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। ये मेरा नहीं है। मैं बचपन से ही पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, मैं पुलिस वालों की बाहर से मदद करूंगा और दबंग और च्युइंगम बनूंगा। मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ। भाई पुलिस को खबर हो गई है, शिवा यहाँ आता ही होगा। ए, हम नहीं डरते किसी शिवा से। अगर 10 लोग मिलकर कुछ करेंगे तो बड़ा जुर्म होगा, अगर 100 करेंगे तो वो हिंसक वारदात होगी, यानी कि जबरदस्त मुठभेड़ होगी। आने दो उसे। पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हुजूम को यहाँ से हटाओ। हमारे एरिया की एक आदमी की मौत हो गई है, इंसाफ चाहिए हमें। उस केस की जाँच हो रही है, परमिशन के बगैर हुजूम लगाना गैर कानूनी है। ये हमारा शहर है, हमें परमिशन की जरूरत नहीं। आखिरी इंतिबा दे रहा हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो क्या करोगे, लाठी चार्ज करोगे, ईंट पत्थर फेंकोगे? हम नहीं भागेंगे। जो चाहे कर लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हरगिज नहीं हटेंगे। ए शिवा, तू पुलिस वाला है कि गुंडा? ए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना लाठियां ईंट पत्थर के तुम लोगों से गुफ्तगू करने चला हूँ। मैं इतना पागल भी नहीं कि पैर में गोली मारने के लिए कलेक्टर के हुक्मनामे का इंतजार करूं। अपने फैसले खोद लेता है यह शिवा। ए शिवा, तू पंगा ले रहा है हमसे। क्या करेगा तू? तू मारेगा तो हम भी मारेंगे। बसें चलाएगा, हम तुझे चला देंगे। तू मारेगा तो कत्ल कहा जाएगा, हम मारेंगे तो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। उस कमीशन को कैसे जवाब देना है हम जानते हैं। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो सरहद पार जाकर दुश्मन और दहशतगर्दों से लड़ो, शहर में फसाद करके आवाम को परेशान मत करो। ए शिवा, तुम्हें खबर नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो? हमारी जात से उलझने की गलती कर रहे हो तुम। ए, जातिवाद, भाषावाद, रंग भेद और कट्टरपंथ की वजह से ही ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही फसाद होते हैं। लेकिन मेरे रहते अगर कोई भी गड़बड़ी की तो घुटने तोड़ दूंगा, ख्याल रखना, पूरी जमानत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मैं पुलिस नहीं, गुंडा हूँ। सर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तो 100 बातें की, तुम कौन सी बोल रहे हो?
हम गुंडे हैं या पुलिस वाले? अबे छोड़ बेवकूफ कहीं के। क्या है ये, इतनी सारी जड़ी बूटियां डालने की क्या जरूरत थी? भाप नहीं जहर है ये। मैंने बस दवाई डाली थी जो आपको मारने के लिए। नहीं नहीं, जुखाम को मारने के लिए। ये सही कहा, आज मैं तेरे खाने में जहर डालूंगा, सर से ऊपर जाएगा बॉस। आज क्या उन लोगों को ललकारा है, कल वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। क्या रे, क्या फालतू की बातें करता है तू? शिवा अपना आदमी है, वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। तुम लोग जाओ। सर, हम इस बस स्टैंड पे ही पुलिस स्टेशन क्यों नहीं खोल लेते? ऐसा क्यों? क्योंकि जब देखिए हम यही होते हैं। क्योंकि ये भीड़ भाड़ का वक्त है। भीड़ भाड़ का या लड़की के आने का? क्या कहा? मैं कह रहा था सुबह हम यहाँ खड़े होते हैं और शाम को सड़क के उस जानिब, क्योंकि सुबह उधर धूप होती है और शाम को इधर होती है। इसकी वजह धूप है या मिर्ची पाउडर? क्या मतलब? अरे देखना, शिवा वहाँ खड़े हैं। तुझे उनसे मिलने का दिल नहीं कर रहा? रुक, मैं आवाज लगाती हूँ। शिवा, अब चुप कर। पीछे देखो, पीछे देखो। मारो कमीने को। और लंच के लिए दही चावल अचार रखा हुआ है, तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएंगे? ये लीजिए आपका टिफिन। चाहे खामोश, ये मंदिर है कि मच्छी बाजार? बात ये है कि हमने अपने मंदिर के लिए एक हाथी खरीदा है। हाथी खरीदा है, शाबाश। अब क्या इसकी सूंड उठा उठा कर इसे भीख मंगवाओगे? अरे वो बात नहीं है। तो फिर क्या है? बात ऐसी है कि अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर है और एक शिव शंभू का। ये तो सबको खबर है। बिल्कुल जानते हैं, माथे पर विष्णु का ही तिलक नहीं, लगेगा। नहीं, ललाट पर शिव का भस्म ही लगेगा। ख्यालात तो बहुत ऊंचे हैं। एक काम करते हैं, हाथी से ही पूछ लेते हैं। अरे वो बेजुबान जानवर है, कैसे बता सकता है वो? तो फिर तुम्हारे जैसे बोलने वाले जानवर ही बताते हैं। विष्णु और शिव को लेकर बहस कर रहे हो, पर किसी को ख्याल आया कि इस बेचारे हाथी को शर्ट या पैंट पहनाया जाए? हाथी मेरे साथी पिक्चर देखिए ना, उसमें हाथी कितने शान से रहता है, देखा है कि नहीं? पहले ये बताओ तुम किसकी तरफ हो, उनकी तरफ या हमारी चाची तरफ? जी, मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। विष्णु भगवान और शिव भगवान मेरे दिल में है। मैं भगवान शिव का रुद्राक्ष पहनता हूँ और माथे पे भगवान विष्णु का तिलक लगाता हूँ। आप लोगों को तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ से रफू चक्कर हो रहा हूँ क्योंकि अब ये हाथी बहुत ज्यादा पॉटी करने वाला है। अब ये सोचो कि उसे साफ कौन करेगा। बेचारा जनरल सिंह का सीधा उल्टा हाथ सब है। लड़की ही इतनी खूबसूरत थी कि इसकी नियत फिसल गई, क्या करें? अगर तेरी बहन होती तभी तो ऐसी बात करता। ए शिवा, ले जाओ इसे। मुंह संभाल के बात कर, समझ गया ना? ये क्या यार, वो एमएलए रेपिस्ट को छुड़ा के ले जा रहा है। अबे देख तो जनाब, मुझे लगा था कि आप शरीफ और ईमानदार हैं, लेकिन आपने तो उस रेपिस्ट को छोड़ दिया। हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर आप? जिंदगी तो मेरी बहन की बर्बाद हुई है। सर, हमें बड़ी उम्मीद थी आपसे। हो गया तुम लोगों का। सुनो, अगर मैं उसे अभी गिरफ्तार करूंगा तो वो मेरा तबादला करवा देंगे, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुम लोगों को। वो तुम्हारी बहन को बेसवा का नाम देगा और तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। तो हमें खामोशी से बर्दाश्त करना होगा कुछ वक्त के लिए। आप केरोसिन के लिए राशन की कतार में, फिल्म देखने के लिए खड़े रहते हैं ना कतार में, तो इंसाफ खड़े खड़े कैसे हासिल होगा? जब अदालत में केस जाएगा तो वकील घुमा फिरा कर सवाल करेगा और उसके सवालों के जवाब देना तुम्हारी बहन के लिए मुमकिन नहीं होगा। इतना जलील किया जाएगा कि वही ढेर हो जाएगी वो। तो क्या कानून कुछ नहीं कर सकता सर? ये पैसों के दम पर कानून को भी खरीद लेते हैं और आजाद हो जाते हैं। इनको तो आवाम को सुपुर्द कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि पत्थर बरसाओ इन पर। वो दिन आएगा और मैं खुद तुम्हें हथियार दूंगा उस वक्त। तब तक अपने जज्बात काबू में रखो। चलो, तुम्हें बॉस ने बुलाया है, उनसे कहो मैं बात अभी चलना पड़ेगा। तेरे बाप का खादिम नहीं हो। तुम लोगों ने आखिर समझा क्या है मुझे?
अपना खादिम समझा है या अपना पालतो? तुम्हारा चमचा आकर मुझे हुक्म देता है। अपने खुददारी पर मुझे नाज है, उससे अहम कुछ नहीं। जो पैसे तुमने मुझे दिए वो तुम्हारे गुनाहों का जुर्माना था, उसकी वजह से तुम ये मत समझो कि तुमने मुझे खरीद लिया। ये एक शख्स है जिसकी मैं बात सुनूंगा, उसके अलावा अगर कोई भी मुझ पर हुक्म चलाएगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। याद रखना, एक एक को भून के रख दूंगा। उस वक्त वो ऊपर वाला भी आकर कहेगा तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, ख्याल रहे। वो डीसीपी हमें इतना सुना कर गया और आप खामोश रहे। अब ये यकीन हो गया कि वो अपनी ही बिरादरी वाला है। देखा नहीं जब वो चीख रहा था तो उसके कान कैसे लालम लाल हो गए थे। उसने इज्जत का कसरा कर डाला, आप लालिमा देख रहे हो। मैंने उसे बुलाया था, तूने हेकड़ी दिखाई और मुसीबत बुला ली। शिकार से पहले शेर भी दुबक कर बैठता है फिर छलांग लगाता है। हाँ। ये यहाँ क्या कर रही है? जी प्रको, सर इस वक्त आप कहाँ हैं? कमिश्नर के दफ्तर जा रहा हूँ। क्यों? वो मिर्ची पाउडर वाली लड़की। हाँ तो उसका क्या? काफी देर से बस स्टैंड पे खड़ी है, आपने बुलाया था क्या? नहीं तो, लेकिन मैं पहुँचता हूँ। और कमिश्नर से मुलाकात? उनसे बाद में मिल लूंगा ना। ये तो गए काम से, मोहब्बत की मार में अच्छे अच्छे भटक जाते हैं, फिर हमारे सर कैसे बच सकते हैं। चलो भाई। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? पिछले 4 रोज से आप कहाँ थे? सीएम के काम से दिल्ली गया था। क्यों? अरे रो क्यों रही हो, क्या हुआ? जब तक मैं आपको देख नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलता, किसी काम में दिल नहीं लगता। ऐसा क्या? तो अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? वो कैसे? शादी के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? आप मुझसे शादी करेंगे? हकीकत में? हकीकत में करूंगा। सर मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और वो साइकिल वाला खुद ही बीच में आया, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती? हमारी मदद कीजिए। उसके लिए 40 लाख लगेंगे। आप सबको मेरी शादी की जल्दी क्यों है? अगर मैं आप सबको बोझ लगती हूँ तो बता दीजिए, मैं दरिया में कूदकर किस्सा खत्म कर दूंगी। बकवास बंद करो। दरिया में कूदकर दरिया का पानी खराब कर दोगी? मरने के और भी कई तरीके। वैसे तुम ये नाखून क्यों खा रही हो, लजीज है क्या? मजा आता है मुझे, इसलिए खा रही हूँ। तुम और तुम्हारी ये बहन मेरी समझ के बाहर हो। तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी है तो मैं इन्हें धक्के मार कर निकाल देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, उनको भावना पसंद है, अगर बाबूजी को मंजूर होगा तो शादी तय कर देंगे। बोलो मेरी लाल मिर्च। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। कहाँ से आए हैं वो लोग? पुणे से आए हैं। जगह तो अच्छी है, आसपास हरियाली है, तुम घूमने जा सकती हो। लड़का पसंद आ गया ना? यहाँ मेरी जान निकल रही है और आप है कि मजाक कर रहे हैं। वो तारीख तय करने वाले हैं। तारीख तय होते ही बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। आप इतनी जल्दी कैसे आएंगे? खिड़की से बाहर देखो। अभी उठा के ले जाऊं? अब मुझे कोई डर नहीं, अब आप आ गए हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे मालूम है। मुझे ये शादी हरगिज मंजूर नहीं। देखिए हम आपसे किसी भी मायने में कम नहीं है, मेरा बेटा आरटीओ ऑफिसर है, हर माह वो 25,000 की तनख्वाह पाता है, और क्या चाहिए आपको? ये सही तो बोल रहे हैं, 25,000 तनख्वाह है और 50,000 रिश्वत के खाता है वो। ये क्या कह रहे हैं आप? बेईमानी मुझे हरगिज पसंद नहीं, जिस घर में बेईमानी के पैसे आते हैं उस घर में मुझे अपनी बेटी बिल्कुल नहीं देनी। सुनिए जनाब, मुझे खबर मिली है कि आपका बेटा अंडर द टेबल रिश्वत लेता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, इसलिए यहाँ से रास्ता नापो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? तो फिर मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करता हूँ, आपको मुफ्त खाने की आदत जो होगी। ओए चुटिया वाले, तो गौर से देख लें, इस चुटिया की वजह से खिलती है मेरी पर्सनालिटी और बढ़ जाती है मेरी सेंसुअलिटी। मुझे खबर है कि तुम उसे जलता है, क्योंकि कुछ सालों के बाद तू टकला हो जाएगा और मोहल्ले के लड़के तुझे चंदा मामा बुलाएंगे। जमाई बाबू आप जाइए यहाँ से, जाइए, मैं कहता हूँ जाइए। हुआ? मेरे बाबूजी ने उनको इनकार कर दिया। चलो अच्छा हुआ, अच्छा चलो मैं चलता हूँ। हाँ लेकिन इनकार क्यों कर दिया? शायद लड़का रिश्वत लेता है, बाबूजी को इसकी खबर हो गई इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। क्या हुआ? हवा निकल गई। कोई है? अरे मिर्ची पाउडर रास्ता कैसे भूल गई? मुझे उनके घर की चाबी चाहिए। उनके घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए?
वो हमेशा बाहर खाना खाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज घर पर बना दूं। उन्हें कह दिया कि वो दोपहर को घर आके खाएं। खाना बनाने तक ही रखना और कामों में मत उलझ जाना। उन्हें खाने में क्या पसंद है? मेन्यू कार्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक हर जायके का स्वाद लेते हैं। सर वो पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं। मिलावट तो हर चीज में होती है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर। अरे उन्होंने तो इस पे हाथ भी उठाया। क्या बात कर रहे हो? इस औरत पर क्या हुआ? जब मैंने पेट्रोल पंप वाले को पूछा कि पेट्रोल कम क्यों दिया, तो उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, अस्पताल ले जाओ इसे। अस्पताल नहीं जाना, आप पहले मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए। अरे लेकिन कितना डालूं? 1 लीटर। बोतल में नहीं दे सकते सर आप? भर इसमें। ये 1 लीटर है। ए, उसे क्यों मार रहे हैं? उस औरत को किसने मारा? बोल, किसने मारा? ये मारपीट क्यों कर रहे हैं सर? 1 लीटर की जगह आधा पौना लीटर दे दो। अरे लेकिन आप मार क्यों रहे हैं? आखिर हमने क्या किया? वैसे भी इसकी पूछताछ करने वाला महकमा है ना, आप उनसे जाकर शिकायत कीजिए। महकमे के बारे में तू बात कर रहा है? इसका मालिक कौन है? बेईमानी करेगा तो पब्लिक को पूछने का हक है। मैं आपको कह देता हूँ सर, बता तेरा बॉस कहाँ है? आप मेरी बात समझिए जनाब। सर इसी आदमी ने धक्का दिया सर। इधर भाग रहा है काम आ गया। पकड़ो इन सबको। चल कर दो पूरा पेट्रोल पंप। बॉस, शिवा ने अपना एक पेट्रोल पंप सील करवा दिया। आइए जनाब। कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर? शायद वो घर पे होंगे जनाब। परम भाई ने बताया आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, सॉरी। पर मैं शादी के बाद सब कुछ सीख जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कोई बात नहीं, तुम जो बनाकर खिलाओगी मैं खा लूंगा, कच्चा पक्का जैसा भी होगा मैं खा लूंगा, ठीक है? क्या खुशबू है, होटल से लाई हो क्या? जानते हैं मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। वो क्यों? आप इतने ईमानदार अफसर हैं, सब लोग आपको इतना चाहते हैं। ऐसा क्या? बस एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। ये जो मूंछों में ये एक सफेद बाल है ना, इसे खींच लेती हूँ। वो मेरा लकी बाल है, एक दिन तो मैं जरूर निकालूंगी। ठीक है। खाइए मैं देखती हूँ। ठीक है। अरे भावना, रुक जा मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ। कौन है ये लड़की? शादी हो गई इससे तुम्हारी? यहाँ लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? देखो तुम्हें जो करना है वो करो, मेरा पेट्रोल पंप बंद करके सील करवा दिया। मेरे ही पेट्रोल पंप पे तुमने ताला लगवा दिया। तुम्हें मैंने करोड़ों रुपए खिलाए ताकि तुम हमारे वफादार रहो, लेकिन क्या किया तुमने? जो खाना तुम्हारे पेट में इस वक्त है ना, वो मेरी दी हुई भीख के पैसों से खरीदा है तुमने। अगर कोई मेरे रास्ते में टांग अड़ाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। मेरे साथ होने का वादा करते और काम मेरे खिलाफ करते हो, मुझे कम ना समझना। एक की जान लेने के लिए मैं पूरा घर तबाह कर सकता हूँ। अगली मर्तबा मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम कहाँ गायब हो गए। इतने छोटे छोटे टुकड़े काट कर फेंकूंगा कि शिनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा। हम जा रहे हैं, अबे चलो।
अरे नहीं, नहीं, प्लीज देखो भावना, तुम मुझे गलत मुझे, मेरी बात तो सुनो, वो तो उन्हें जानती नहीं हो। अरे वो लोग क्या करते हैं तुम्हें पता है? अरे मैं ऐसा नहीं हूँ भावना, मेरी मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो भावना, देखो भावना बॉस पेट्रोल पंप खुल गया क्या? ए, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उस डीसीपी को पहले दिन ही सबक सिखाना चाहिए था। बॉस आप बताइए हमें करना क्या है। जब उस औरत को चोट लगी तो वो कैसे भड़का था, हमने कितना पूछा वो कुछ नहीं बोला। हाँ अरे वो सब छोड़ो, ए, इस खबर को तो अखबारों में छपना ही चाहिए। भावना छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। सुनने सुनाने को बचा ही क्या है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत हो चुका, अब मुझे आप पर एतबार नहीं रहा, मेरा यकीन टूट गया है, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, आपने एक सीधी सादी लड़की का दिल तोड़ा है। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं बेवकूफ एक धोखेबाज की बातों में आ गई, आपने तो पूरे शहर को धोखा दिया है, क्या पता किसी दिन मेरा भी सौदा। बस करो, खबरदार अगर इस तरह की बात दोबारा की तो जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तुमने इल्जाम तो लगा दिया लेकिन असलियत जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस की नौकरी सिर्फ एक धंधा बन के रह गई है, लेकिन मैं अपनी इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ, अपने पिता के वचनों का पालन करता हूँ। आदमी चाहे किसी भी जात या मजहब का हो, अगर उसने कोई गलती की है तो उसे सजा दिलवाने का हक सिर्फ पुलिस को ही है। इसलिए मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और कहा कि उसे पुलिस की नौकरी ही करनी है। बहुत अच्छी बात है, पुलिस बनकर क्या वो हमारे गांव में आएगा? अरे भाई पहले उसका बुलावा तो आने दो, अगर उसे पुलिस की नौकरी मिल गई तो वो एक दिन यहां जरूर आएगा। शिवा, तुम्हें पुलिस की जानिब से इंटरव्यू का कॉल आया है। बेटे कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? ये नौकरी मैं नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? बस ऐसे ही। क्यों, सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए? उन्हें जवाब से कोई मतलब नहीं, रिश्वत चाहिए उन्हें, मुझे नहीं करनी ये नौकरी। तुम्हें ये नौकरी चाहिए लेकिन तुम हिचकिचा रहे हो, कितनी रिश्वत मांग रहे हैं वो? 25 लाख रुपए। बाबूजी ये सब क्या है? रिश्वत का इंतजाम, जमीन का सौदा कर दिया 20 लाख में, घर गिरवी रख दिया 5 लाख में। जमीन और घर का सौदा करके? बेटे कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। 30 साल पहले मैंने खुद को बड़ी मेहनत से पुलिसमैन बनने के लिए तैयार किया था, लेकिन मेरे पिताजी रिश्वत के 8,000 नहीं जुटा पाए और मैं पुलिसमैन नहीं बन पाया। इस तरह ना चाह कर भी जब मुझे खेतों में काम करना पड़ा तो बड़ी तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा हाल तुम्हारा भी हो। मैंने पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, काम शुरू किया, लेकिन मुझे क्या हासिल हुआ? नेताओं की दादागिरी, ऊंचे अफसरान को मेरा रवैया पसंद नहीं आया और मेरा बार बार तबादला होता रहा। ये क्या कर रहे हो? तुमने हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है ना, और तुम हमसे पैसे लेने से इनकार कर रहे हो? नौकरी के लिए रिश्वत दी थी ना, अब तुम भी खाओ, चलो निकलो। माफी चाहूंगा, आपको अपने सारे गैर कानूनी कारोबार बंद करने होंगे वरना मैं सख्त कदम उठाऊंगा। अरे तू बोल देता, बॉस भिजवाए हैं। जनाब मैंने उसे कहा था लेकिन वो नहीं माना। रुक रुक, रुक कमीने, अरे भाई तीर बिना कमान के किस काम का? पॉलिटिक्स बिना गुंडागर्दी के मुमकिन है क्या? मुमकिन नहीं है, वो तुम्हारी नजरों में गलत हो सकता है, मेरी नहीं। छोड़ दो उसे। जमानत के कागजात लाए हो क्या? पुलिस अफसर तुम हो,
याद नहीं क्या? इतवार को जमानत के कागज नहीं मिलते। कागजात कल दे देंगे, उसे अभी छोड़ो। FIR दर्ज हो चुकी है, बगैर जमानत के नहीं छोड़ सकता। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, फाड़ कर फेंक दो उसे। तेरी तो दादागिरी करता है। ए, देखना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। पुलिस से बदतमीजी करने के जुर्म में बंद कर दो इसे। तुमने हमारे साहब पर हाथ कैसे उठाया? तू काला कोट पहन कर आया इसलिए बच गया, वरना तेरा भी यही हश्र करता मैं। उस अकड़ू का तबादला करवा दो। तबादले से कुछ नहीं होगा, इसका तो वो हश्र करना चाहिए कि तड़पे भी और कुछ कर भी ना पाए। इसको तो अब मैं दिखाता हूँ कि एक पॉलिटिशियन क्या क्या कर सकता है। हम विजिलेंस महकमे से आए हैं, हमें खबर मिली है कि तुमने रिश्वत खाई है, हमें तुम्हारी जीप की तलाशी लेनी है। जानती हो मेरी ईमानदारी का मुझे क्या इनाम मिला? रिश्वतखोरी का इल्जाम और सस्पेंशन। मेरे बेटे की शादी में जरूर आइएगा। शिवा की शादी और हम ना, ऐसा कैसे होगा? अरे ये देखिए समधी जी की गाड़ी आ गई। समधी जी नमस्कार, आप इधर आइए। क्या बात है? सबसे पहले तो आप शादी का कार्ड बांटना बंद कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके लाडले को रिश्वतखोरी के इल्जाम में अंदर कर दिया गया। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। इल्जाम नहीं, सबूत है हमारे पास, अखबार के फ्रंट पेज पे आपके बेटे की करतूत छपी है, देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये शादी मुमकिन नहीं। बाबूजी, आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं? अगर ऊपर वाला भी खुद आकर मुझसे बात कहे तो भी मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा, हरगिज नहीं। क्योंकि मैंने अपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं, जो तालीम दी है, वो गलत हो ही नहीं सकती। अगर गांव वाले कहते हैं कि मेरा बेटा रिश्वत ले रहा है तो वो सब बकवास करते हैं। क्या ईमानदारी की यही सजा है? इंसाफ और कानून तो जैसे दफन हो गया है। एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड कर दिया, सिर्फ बहादुर होना ही काफी नहीं होता, कभी दिमाग से भी काम लो। तुमने रिश्वत नहीं ली, फिर भी तुम पर इल्जाम तो लगा है ना। आज के बाद तुम रिश्वत लेना और उन्हीं पैसों से नेक काम करना। अगर यहाँ पर 100 लोग बुरे हैं तो उन्हें भूल जाओ, लेकिन 4 लोग भी तो अच्छे होंगे, तुम उनके लिए नेक काम करो। रामायण में कहा है कि अगर बाली अच्छा होता तो राम उस पर सामने से वार करते, मगर वो बुरा था इसलिए राम जी ने छुप के वार किया। युद्ध के नियम के अनुसार ये गलत है, लेकिन इंसानियत की नजर से ये सही वाजिब है। बेटे शिवा, तेरे पैदा होने से पहले मेरे 5 बच्चे मर गए थे, तू मेरी छठी औलाद है, इसलिए मैंने तेरा नाम रखा षष्ठ शिवा, यानी 5 मौतों के बाद पैदा हुआ है तू शिवा। अब शिवा की तरह कुचल डाल अपने शत्रुओं को और अंत कर दे सारी बुराइयों का। अच्छाई के लिए बुराई का खात्मा जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने में 6 माह लग गए, बहुत मुश्किलों से रूबरू हुआ हूं। रिश्वतखोरी और बेईमानी हर जगह है, उन्हें उसूलों के साथ दुरुस्त करना आसान नहीं, इसलिए मैंने अपने बाबूजी की बात मानी और अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला। भावना, मैंने आम लोगों से कभी रिश्वत नहीं ली, बल्कि उन करप्ट लोगों से रिश्वत ली जो आवाम को धोखा देते हैं। मैं जो रिश्वत लेता हूँ उन्हें नेक कामों में खर्च करता हूँ, इनसे जो भी पैसा लिया खुद पे कभी खर्च नहीं किया। चलता हूँ। अरे हम उनसे ऊंची जात के हैं, वो हमारी बराबरी का नहीं है, फिर तूने ऐसी गलती कैसे कर दी? मामा बहुत नेक दिल इंसान है। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? आप उनसे फोन पर बात करके देखिए। खामोश रहो तुम, इसलिए मैं तुमसे कहता था कि बेटी पर नजर रखो, वो कॉलेज जा रही है या कहीं और जा रही है। बस करें, बेचारी छोटी सी बच्ची है, इसकी क्या गलती है? आपने अगर प्यार दिया होता तो ये घर के बाहर प्यार के लिए भटकती क्या? आप उनसे बात तो कीजिए। क्या बात करें उनसे, उनसे ये कहें कि तुम हमसे नीचे जात वाले हो, मालूम है कितनी बेइज्जती हो जाएगी। आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। बकवास करते हैं। देखो इस पर पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, उस लड़के को फोन करो और उससे बात करके देखो। कॉफी लीजिए ना। शक्कर घोलने के लिए पहले कॉफी को अच्छे से हिलाइए। कॉफी गर्म है, ठंडी करके पियो। चुस्की नहीं पूरी कॉफी गटक जाओ। ये लोग तो कॉफी पिलाने के बजाय कॉफी पे लेक्चर पिलाने लग गए। भगवान सब ठीक हो जाए। हमारी बेटी एक पुलिस अफसर से प्यार करेगी, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। दादी जी, चोर से प्यार करती तो बेहतर होता क्या? हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, तुम बताओ हमारी बेटी तुम्हारे साथ कैसे खुश रहेगी? मैं आप लोगों के साथ एक दामाद की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह पेश आऊंगा, यकीन कीजिए। अभी ये बहुत छोटी है, कॉलेज भी पूरा नहीं किया है, तो इतनी जल्दी हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? फिक्र मत कीजिए, उसकी पढ़ाई मैं पूरी करवाऊंगा।
ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, अगर हम आपकी ये पेशकश मान लें तो ये बताइए कि आप दहेज कितना लेंगे? शगुन के तौर पे आप सिर्फ 1 रुपया देना। 1 रुपया? दादाजी ये क्या हमें चिंदी समझते हैं? दामाद जी, इन्हें बताइए हम गए गुजरे नहीं है। मेरे बेटे की तनख्वाह 25,000 रुपए है, हमारी घरेलू आमदनी 20,000 है जो मसालों के पैकेट बेचने से होती है, और पंडित जी ही हमारे दामाद। मेरी बात छोड़िए ना, कुछ और बात छोड़ दिया, कुछ और बात करते हैं। हम आपको दिल खोल के देंगे, आप मांगिए कितना मांगते हैं। ठीक है तो 5 लाख रुपए और 100 तोला सोना दे दीजिए। भाई तुमने हमारी बातों को दिल पे ले लिया क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी का साथ ही मेरे लिए काफी है। मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसे पालूंगा तो मैं समझूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बस। उठिए, ये हुई ना बाप, खुश रहो, जुग जुग जियो। तो हमारा पहला दामाद कामचोर और दूसरा पुलिसमैन। दादाजी ये क्या कह रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम जरा संभल कर रहना। आप शायद इस रिश्ते से खुश नहीं है, आप पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। शिवा बेटे, तुम एक नेक दिल इंसान हो, लेकिन हमारे खानदान में तकरीबन 400 लोग हैं, तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। छोड़िए ना, उन 400 को भूल जाइए, एक नेक दिल इंसान रिश्तेदार बन रहा है। अरे श्रीनिवास, अगर मेरा बेटा होता और आपकी बेटी का हाथ मांगता तो आप बताइए मंजूर करते कि नहीं? मैं आज से इसे अपना बेटा मानता हूँ और इसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। उस रोज जब मैं तुम्हारे पैर छूने झुका था तो तुमने कहा था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। अब क्या सोच रहे हैं? हाँ कह दीजिए। ठीक है, जात जात में कोई भेद नहीं। जात जात में कोई भेद नहीं। अरे गुरुजी, आप क्या सिखा रहे हो? क्यों बोर कर रहे हो? कुछ फिल्में कलियां खिलाओ। माशुका को कैसे पटाए वो बताओ। आपके कोई दास्ता नहीं तो किसी के सुना दो। कुछ मर्दों वाली बातें बताइए, बड़ा सोचिए। ओह, इन बच्चों ने तो मुझे भी सोच में डाल दिया। गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। क्या हुआ? देखिए ना, मेरा बेटा इतना होशियार है लेकिन इसे स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे नहीं देगा दाखिला? हेलो सर, हाउ आर यू टुडे? नमस्ते। ये लड़का बेहद गरीब है लेकिन पढ़ाई में तेज है, इसे दाखिला दे दीजिए। मैं इसे दाखिला नहीं दे सकता। ऐसा क्यों जनाब? क्योंकि इसके माँ बाप अनपढ़ है। तो फिर एक काम कीजिए, पहले इसके माँ बाप को दाखिला दीजिए, वो अनपढ़ नहीं रहेंगे, फिर इसे दाखिला दे देना। क्या अनशंड बके जा रहे हैं? मैं अनशंड नहीं बक रहा हूँ, ये बच्चा पढ़ाई करेगा। इसके माँ बाप 40 साल के हो गए फिर भी वो पढ़ाई करेंगे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे होते तो ही वो अपने बच्चे को पढ़ा पाते। फिर आप लोग यहाँ टीचर बन के क्यों बैठे हुए हो? इधर आइए, यहाँ तो हम डोनेशन बटोरने के लिए बैठे। ठीक है, तो जो दे सकते हैं उनसे लो ना, ये पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसे दाखिला दे दो। इसे एक के पढ़ने से कितना बढ़ेगा इंडिया? ये पढ़कर अपने माँ बाप का और मुल्क का नाम ऋतिक की तरह रोशन करेगा, की तरह साइंटिस्ट बनेगा और चांद पर जाकर आपको वहाँ से शुक्रिया कहेगा। ये क्या चांद पर जाएगा? कपड़े तक तो है नहीं इसके पास पहनने के लिए। तो असली मसला कपड़ों का है। हाँ कपड़ों का ही। फिक्र मत कीजिए, उसका भी तोड़ है मेरे पास। ये क्या कर रहे हो? अरे अरे पागल हो गए हैं क्या आप? बेटा हाथ ऊपर कर। वाह शाबाश, कपड़ों की जरूरत कुर्सी को नहीं इंसानों को है। वाह वाह, देखा क्या लग रहा है, इसे दाखिला दीजिए। अरे सिर्फ शर्ट होने से क्या होगा, पैंट का जुगाड़ कहाँ से करूँ? हाँ पैंट के लिए मटेरियल कैसे? अरे साड़ी छोड़ो, दाखिला ले लो। ना बात क्या बात है गुरुजी, मेरे बेटे को दाखिला मिल गया क्या? इसे दाखिला भी मिला और कपड़े भी। ये आपने कैसे किया? ये अपना स्टाइल है। विपक्षी दल वाले नेताओं ने सत्ता पार्टी को गालियां दी। इसकी खिलाफत में सत्ता पार्टी ने फैसला किया है कि वो 1 रोज की हड़ताल पर जाएंगे जिसकी वजह से पूरा शहर बंद रहेगा। कोई भी जरूरी, ये हमारी पार्टी का बंद है, कोई भी आदमी बाहर नहीं आना चाहिए, चाय पान की दुकान ठेले वगैरह कुछ नहीं खोलना चाहिए। हमारे सभी आदमियों को खबर कर दो। ओके बॉस। सर त्योहार के वक्त दुकानें बंद रहेंगी तो कैसे चलेगा सर? सिक्योरिटी के लिए बंद तो रखना ही पड़ेगा। सर ये सरकारी नहीं सत्ता पार्टी का बंद है ना? सर हमारा माल खराब हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। हमने ज्यादा पैसे देकर माल खरीदा है साहब, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम दुकानें बंद कर देंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। ठीक है, आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त दे दीजिए, बाकी मैं संभालूंगा। ठीक है ठीक है जनाब, जनरल सिंह का हाथ है इसमें, हमें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। अरे छोड़ो, इन गरीबों का इतना नुकसान हो जाएगा उसकी भरपाई कौन करेगा? भाड़ में जाए जनरल सिंह। ठीक है, कोई परेशानी होती है तो मुझे फोन करो। जनाब जनाब, परम यहाँ की हालत कैसे? जैसा आपने कहा था वैसा पूरा इंतजाम कर दिया है। अरे भाई, हमें तो बंद की खबर अखबार से मिली। यहाँ की सिक्योरिटी मैंने खुद देखी है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरफ? इस तरफ भी मैंने चेक कर लिया है। ए, अटो, 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 अटो,
तुम्हें मालूम है पुलिस ने गुंडों को खूब पीटा। जब तक शिवा सर है हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है ना? ये बहुत अच्छे आदमी हैं सर। ठीक है, हमारे नए डीसीपी भगवान है, भगवान। बहुत अच्छे परम सर, आप सत्ता पार्टी की बंद के खिलाफ आवाम की हिफाजत करेंगे? आवाम इस वक्त मेरे लिए किसी भी पार्टी से अहम है। अगर वो नहीं होता तो आज हमारी दुकानें बंद होती। वो कमीने जीत गए और हमें हार का मुंह देखना पड़ा। वो शांति पूर्वक खत्म हो गया। इस शहर में छोटे मोटे हंगामों को छोड़कर रोज के काम बगैर किसी रुकावट के पूरे किए गए। सारी दुकानें खुली रही और किसी भी हादसे की कोई खबर नहीं। कार निकाल। रुकिए जनाब, जल्दबाजी ठीक नहीं। अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। उस दगाबाज धोखेबाज कमीने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन दुकानदारों की हिम्मत कैसे हुई? उन कमीनों ने दुकानें खोल दी। ये सब उस शिवा के सपोर्ट की वजह से हुआ है। दुकानदार जानते हैं कि वो हमारे बॉस के खिलाफ गए तो क्या अंजाम होगा। अगले शुक्रवार को शिवा की शादी है, उस वक्त सारी पुलिस फोर्स उस शादी में मशरूफ रहेगी। उस रोज उन दुकानदारों को हम असली रंग दिखाएंगे, उनके लाशों को टीवी पर दिखाना चाहिए बॉस। क्या रिवाज बनाई है हमारे लोगों ने, पुराना सामान जलाओ और अच्छी दुआएं पाओ, पॉल्यूशन के बारे में जरा भी नहीं सोचते। एक रोज ओजोन लेयर में सुराख हो जाएगा और एलियन आकर हमको अपना खुराक बना जाएंगे। मौसी जी, मौसी जी, ये वही चटाई है ना जिस पर मौसा जी सोते, आप इसे जलाएंगी क्या? ये चटाई पुरानी है। वो तो मौसा जी भी है। खामोश हो जा बदतमीज। ये चटाई गरीब बच्चों को दे दो, वो इस पर सोएंगे, आपको दुआ देंगे। खामोश हो, चल दफा हो यहाँ से। अंकल जी, आप ये आग में क्या झोंकने वाले हैं? ये पुराने कपड़े हैं बेटा, आपके लिए पुराने होंगे पर इनके बहुत काम आएंगे। पुराने सामान को जलाने का रिवाज है, इसे बड़ा मुबारक माना जाता है। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, पुराना हटाओ नया लाओ। अच्छा, तो सारा पुराना सामान आग में डालना चाहिए ना? ठीक कहा बेटा। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे जिले के सबसे पुराने आदमी हैं। इन्हें आग में डालेंगे तो पूरे जिले को अच्छी दुआएं मिलेंगी, है ना? रुको, ये क्या कर रहे हो? क्यों? ये मेरे बड़े भाई हैं। अपनों की बात आई तो आए ना लाइन पे। गरीब बच्चों के बारे में सोचते भी नहीं है। कपड़े नीचे रखिए और मैं आपके भाई को नीचे रखता हूँ। ये लो। सॉरी अंकल, और थैंक्स भी, आपकी वजह से आज इन गरीब बच्चों को कपड़े मैसर हुए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, वक्त रहते चुका ही दूंगा, पक्का वादा। अंकल बोलो ना। अंकल बोलते क्यों नहीं? ये क्या, ये अंकल तो एक दो रोज पहले ही निकल लिए। ये पहले ही समझ गए थे कि आज के इंसानों को पुरानी चीजों की और लोगों की कदर नहीं है। रुक जाओ, कब तक ये घिसी पिटी धुन बजाते रहोगे? आज का कुछ लेटेस्ट बजाओ ना। ये दुनिया, ये दुनिया। नमस्ते। नमस्ते। खाना खा कर ही जाइएगा, ठीक है? मेरा पेट ठीक नहीं है। तो गुसल खाने में प्लेट लगवा देता हूँ, आराम से उंगलियाँ चाट के। क्या बकवास आदमी है, फिर से उपवास रखना पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे मना करने के बावजूद भी तुम दुकान खोली। सर सर सर, जनरल के गुंडों ने बाजार में तबाही मचा रखी है। वो लोग दुकानदारों को बेरहमी से मार रहे हैं। आपके चार पुलिस वाले भी मारे गए, और तो और बच्चों पर भी रहम नहीं किया। कुछ कीजिए जनाब, कुछ कीजिए। ठीक है, आओ मेरे साथ। क्या हो गया? देखिए, उन्होंने हमारे आदमी को मार डाला जनाब, बेरहमी से मारा है सबको, पूरे बाजार को शमशान बना दिया।
सर, किसी को नहीं बख्शा। और आज बच्चे, हमने आपके कहने पर दुकानें खोली थी और देखिए उन्होंने क्या तबाही मचा दी सर। देखिए सर, अब हमारा क्या होगा? ये सब क्या होगा सर? देखिए अब आए आप लोग, ये देखो मेरे शौहर को कितने मेरे अम्मी से मार डाला। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके कहने पर आप लोगों ने दुकानें खोली थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। मेरे बच्चे को क्या हो गया? देखिए सिंह, इन्होंने हम पे यकीन करके दुकानें खोली थी। जनरल सिंह के गुंडों ने मौके का फायदा उठाकर कितनी बेरहमी से इन्हें मारा है सर। आओ आओ शिवा, शादी के बाद मेरा आशीर्वाद लेने आए हो क्या? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? रुको कमीने, तुझे इंसान के जान की कीमत पता है? हाँ? तुम्हारा नाम शिवा है तो क्या खुद को इस शहर का भगवान समझने लगे? किसकी इजाजत से तुमने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया? मुझे किससे पूछना चाहिए? मुझसे पूछना चाहिए? तेरी औकात क्या है? तू कोई सरकार है क्या? मैं उन सबसे ऊपर हूँ। 40,000 रुपए की तनख्वाह, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी काले जूते और 1 पुलिस क्वार्टर, 4 पुलिस थाने के 40 पुलिस वालों के मिलने से तुझे इतना गुरूर, इतना करने लगा है तू? मालूम है मेरे कंट्रोल में 8 जिले, 92 MLA और सरकार मेरी मुट्ठी में है। मैं चलाता हूँ सरकार, गुरूर तो मुझे करना चाहिए। ओए, मैं 20 अखबार रोज पढ़ता हूँ। तुझे क्या लगता है पॉलिटिक्स में घुसना इतना आसान है? हाई कमान ने मेरी नाक में दम कर रखा है कि बंद का क्या हुआ, कौन देगा इसका जवाब? क्या तुम्हारे पास है इसका जवाब? है? तुमने तो मेरे नाम को, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो मैं क्या करता? इंतकाम लिया मैंने। लानत है तुझ पर। अगर मुझसे इंतकाम लेना था तो तू मुझ पर सीधा हमला करता, लेकिन तूने उन बेगुनाह लोगों को मौत की आगोश में सुला दिया, औरतों के सर फोड़ दिए, बच्चों तक को नहीं बख्शा तूने, पुलिस वालों को मार डाला, अब उनके खानदान को कौन देखेगा? पुलिस वालों को मरने के बाद भी तनख्वाह मिलती है और उनकी दुकानें खुलवा कर तूने हमसे पंगा ले लिया, समझा? दंगा फसाद होगा तो मौतें भी होंगी। ए, उनकी मौत पर मुआवजा तो सरकार देती ही है ना? जब हम तुम्हें रिश्वत देते हैं तो आगे पीछे दो मिलाते हो और जब नहीं देते हैं तो भौंकते हो। मैं भौंकता नहीं हूँ कमीने, मैं काटता हूँ। तुझे तो मैं उसी रोज दफन कर देता जिस दिन तू बगैर इजाजत मेरे घर आया था, लेकिन उस रोज तेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मंगेतर मेरे साथ थी। तो जैसा कमीना अपने झूठे गुरूर के लिए मार काट और दंगे फसाद करवाता है, हजारों लोगों की जानें लेता है, लेकिन अब तेरी हैवानियत को खत्म करने की मैंने ठान ली है। मैंने तेरे 92 MLA, 16 MP, 4 मिनिस्टर, 40 कार, 38 जीप और तेरे किंग मेकर खिताब की धज्जियां उड़ा दिया और तुझे भीख मांगने पर मजबूर ना किया। भीखो तो मेरा नाम शिवा नहीं। वो तो तब होगा जब तू यहाँ रहेगा। ये ले तेरे तबादले का हुक्मनाम, मेरी जानिब से तेरी शादी का तोहफा। 7 रोज के अंदर तुझे दूसरे शहर जाना है, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले जा। मैं चाहूँ तो तुझे अभी के अभी ठोक सकता हूँ, लेकिन तेरी किस्मत में 7 रोज की जिंदगी और बाकी है, इसलिए तुझे बख्श रहा हूँ। सिर्फ 7 रोज, 7 रोज में मेरा तबादला दूसरे शहर में और तेरा तबादला ऊपर। शुक्र है आ गया। क्या हुआ बेटे, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं बाबूजी। जाओ बेटा अंदर जाओ। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मेरा ही खराब टाइम चल रहा है, इसलिए आप पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। ए, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो खुद परेशान था कि मैंने उस कमीने से रिश्वत ली थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई भावना। विजय भाई। हाँ बोलो। हाँ आ जाओ आ जाओ, मुझे इनके घर पूजा कराने जाना है। अरे आ जाओ, थोड़ा पानी वानी पी के जाना। तुम्हारा पानी पी के मैं मर गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। आ जाओ बैठो। मंगला, इनके लिए एक गिलास पानी लाना। मंगला कौन है, तुम्हारी बीवी है क्या? अभी तो घर पे काम करती है, लेकिन बीवी भी बन जाएगी। ये लीजिए। ये लोटा आम की तरह पिचक क्यों गया है? तुम अंदर जाओ।
ये लड़का कौन है? हा? मेरा बेटा है, कुछ रोज में यूएस जाएगा पढ़ाई के लिए। यूनाइटेड स्टेट? नहीं नहीं, उल्लास शहर। और ये लड़का कौन है, ये क्या लड़का? ये मेरे बेटे के जूते पॉलिश करता है और ये यही करता रहेगा। और उसके बाद? उसके बाद मेरे जूते चमकाएगा जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता। उसके बाद क्या मंगला आंटी को चमकाएगा? ये दोनों की उम्र एक ही है तो फिर इसको क्यों नहीं पढ़ाते हो? अगर ये भी पढ़ेगा तो काम कौन करेगा? तू करेगा। दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बचपन में जूते साफ किए थे और बड़ा होकर वो बहुत बड़ा गुंडा बन गया। तू क्या चाहता है, ये भी वैसा ही गुंडा बने? ये पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चाइल्ड लेबर के मामले में अंदर लगा दूंगा। मेरा बेटा पढ़ेगा और ये काम करेगा, यही इन दोनों के नसीब में लिखा है। तेरी किस्मत मैं लिखूंगा। क्या बात करता है, बता बेटा तू किसके जैसा बनना चाहता है? आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनेगा और मेरा भतका यानी पंडित का नाम रोशन करेगा। IIM में जाकर पढ़ेगा, करण के साथ जाकर कॉफी पिएगा और मेरी नाक भी कटवाएगा। पक्की बात है। इस भैंसे के साथ रहकर इस बछड़े की भी बुद्धि मोटी हो गई है। उस मारकट का जिम्मेदार कौन था? जनरल सिंह के चार खास बंदे थे। वो जनरल सिंह की असली ताकत है, लेफ्ट राइट सब कुछ। काम सौंपने से पहले ही वो उसे अंजाम दे चुके होते हैं। ठीक है, तो जनरल सिंह को मारने के लिए सबसे पहले उसके दाएं और बाएं हाथ को उखाड़ना होगा। उसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। उसके गैर कानूनी वाइन शॉप, ड्रग्स के अड्डे, वेश्याघर, लॉज, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म कर दो। परेशानियां आएंगी मालूम है मुझे, मैं आपको गिरफ्तार भी करूंगा और छोड़ भी दूंगा। उसके सारे गैर कानूनी बियर बार्स बंद कर दो, बगैर परमिट की बसें, लॉरियां, सब कुछ जब्त कर लो। मैंने छोड़ना नहीं उन्हें, गिरफ्तार करो। ओके सर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाओ अंदर जाओ और ठीक से चेक करो। जाओ रुक जाओ, चलो चलो उधर उधर जाओ, सारे लॉरियां सब कर लो। चल चल मुंबई जा। चल तोड़ दो सब कुछ। बंद कर दो। चल ए चल। ये क्या कर रहे हो, इन औरतों की तस्वीर क्यों निकाल रहे हो? सर कल के अखबार में इनकी तस्वीर छापनी है इसलिए। अरे छोड़ो ये सब, क्यों इन सब मामलों को टूल देकर न्यूज वालों को मसाला देने की क्या जरूरत है? इनकी जिंदगी पहले ही जहन्नुम का अजाब है, तुम और बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। जाइए जाइए आप लोग। कमीने, शर्म नहीं आती? साहब जो आज हमें गिरफ्तार करने आते हैं वही कल हमारी इज्जत लूटने आते हैं, लेकिन आप उन सब से अलग हैं। आपको हमारी फिक्र है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे परम। अरे शिवा ये सब क्या हो रहा है, तुमने कार्रवाई क्यों की? उन दुकानों के लाइसेंस नहीं थे, सभी गाड़ियां बगैर परमिट की थी, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे तो साहब के सामने जाने में शर्म आ रही है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, अगर इस वक्त गए तो थूकेंगे हम पर। हमारी सारी गाड़ियां जब्त हो गई, दारू की दुकानों पर ताले पड़ गए। ये कल का लांडा आकर हम पर कार्रवाई कर रहा है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि शिवा पूरी तरह फंस जाए और उसे जेल की हवा खानी पड़े। पहले यही लोग हमें मुफ्त में चाय पिलाते थे, आपके यहाँ आने से हमें चाय के पैसे देने पड़ते हैं। हराम का खाना बंद किया तो पेट अंदर चला गया, तंदुरुस्त लग रहे हो अभी। ए, तू खुद को दबंग पुलिस वाला समझता है क्या? हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तू? हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है, जबान गल गई क्या, बोलता क्यों नहीं है? चमचों से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। क्या चमचा कहा मुझे, MLA हूँ मैं, चुटकी बजाते ही तेरा तबादला करवा दूंगा, ऐसी जगह जाएगा जहाँ पानी भी मैसर ना होगा। देख मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। लेकिन मेरे आदमी बेहद गुस्से में है, एक इशारा करूंगा ना तो तेरा खेल खत्म। इतनी लंबी लंबी मत छोड़ भाई, दिमाग फिर जाएगा। भाई किसको बोला बे? वो देख हेड कांस्टेबल, उम्र में मुझसे बड़े हैं लेकिन मुझे सर बोलते हैं। उसी तरह वक्त आने पर तुझ जैसे कमीनों को कभी भाई, कभी कमीना, कभी हरामी, कभी कमीना, कभी बेईमान, कभी पागल, तो कभी दलाल भी कहना पड़ता है रे। ए कमीने, क्या जबरदस्त तस्वीर आई है, गिरफ्तार कर लो।
चल वापस आते ही तेरी छुट्टी करूंगा मैं। चल चल मुझे गिरफ्तार करेगा। चल 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 एक लेना बाहर ले जा पहले तेरा करूंगा। पीछे पीछे मैं तो तुझे सरेआम नंगा करके पीटना चाहता था लेकिन वो 66,500 वोटर्स को मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ले जाओ इसको। फोन लगाओ कमिश्नर को। मिस्टर शिवा सर ये सब चल क्या रहा है आखिर? तुमने सड़क के दरमियान एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार किया है तुमने? इन पर बलात्कार का इल्जाम है जनाब। क्या? मैंने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे पास इस बात का सबूत है जनाब। क्या कहा? मैंने बलात्कार किया? सबूत कहाँ है इसका? इनके खिलाफ FIR दर्ज है जनाब। अरे वाह, कोई भी औरत FIR दर्ज कराएगी तो मुझे गिरफ्तार कर लोगे? कौन है वो औरत? पराम। ठीक है, कार्रवाई करो। शुक्रिया जनाब। औरत अगर खूबसूरत है तो उसे जबरदस्ती हासिल करेगा। तुझे तेरी औकात दिखा दी मैंने, यह है शिवा का स्टाइल। शुक्रिया बॉस। सुंदरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो जेल में है। अरे ये क्या, यहाँ भी नहीं है? मेरे कपड़े कौन चुरा कर ले गया? सुनिए उठिए, देखिए ना सारे कपड़े गायब है, कोई चुरा कर ले गया है। उठिए, पुलिस के घर से चोरी कौन करेगा? ठीक से ढूंढो ना। अरे हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। मेरी माँ की दी हुई लाल साड़ी तक नहीं है। साड़ी का क्या करोगी, यही सूट कर रहा है। चलो सो जाओ, आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा तो चोर घर का ही आदमी है, मुझे बेवकूफ समझते हो? बहुत गंदे इंसान है। क्या 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 क्या, तुमने मुझे गाली दी? मैंने गाली दी? हाँ। मैंने कहा गाली दी? मैंने तो सिर्फ आपको गंदा कहा, ये गाली थोड़ी ना होती है। गंदा गाली नहीं होती बल्कि गाली से भी गंदा होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? चलो एक गंदी पप्पी दे दो। गंदी पप्पी? सुबह नहा के दी हुई पप्पी अच्छी पप्पी होती है और बगैर नहाए हुए दी गई पप्पी गंदी पप्पी होती है। अरे ये क्या, क्या कर दिया ये? मैंने आपकी मुझ का सफेद बाल निकाल दिया, एक गंदा बाल था। इसे मैं संभाल कर रखूंगी। पराम तो लिबर्टी थिएटर में बम होने की खबर मिली है, चलो जल्दी। कंट्रोल रूम, बम स्क्वाड को लिबर्टी थिएटर भेजिए जल्दी। सबको अलर्ट करो, पब्लिक को बाहर निकालो जल्दी। सब लोग को बाहर निकालो, पूरी जगह खाली करो। चलो बाहर निकलो, चलो जल्दी 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 निकालो सबको जल्दी। चलो 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 जल्दी, गेट बंद करो, कम ऑन, चलो चलो जल्दी। सर 11 बज गए हैं, आप कोर्ट जाइए वरना उस एमएलए को जमानत मिल जाएगी। कितने भी मशक्कत कर ले उसकी जमानत नहीं होगी, हमारा केस मजबूत है, हम कोर्ट से 14 रोज के रिमांड मांगेंगे। हेलो, हेलो, बम लिबर्टी थिएटर में नहीं है। क्या कहा? अरे बम तो बस स्टैंड में है, बचा सको तो बचा लो। कौन बोल रहा है? पैसेंजर्स को नीचे उतारो, सारी बसें चेक करो। चलो 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 जल्दी नीचे उतरो, नीचे उतरो। हेलो कौन? हम कोर्ट के बाहर है, ठीक है। कौन है तू? परम, परम सबको बस से नीचे उतारो। परम सुनो। यस सर। मुझे ये कॉल्स फर्जी लग रहे हैं, तुम रेलवे स्टेशन स्कूल कॉलेजेस में चेक करो, मैं कोर्ट में जाकर चेक करता हूँ। ओके सर। जल्दी चेक करो। सर डीसीपी, बम की खबर सुनते ही हवा टाइट हो गई क्या? वो वाला बम नहीं है, झंडू बम है, जरा पीछे देखो। बहुत देर से भाग रहे हो, थक गए होंगे, पैरों में जरा लगा लो, आराम मिल जाएगा। ऐसे घूर क्या रहे हो? एमएलए के केस से फौरन हट जाओ शिवा, वरना असली बम का धमाका होगा। ये काम जल्दी करो डीसीपी, नहीं तो जिलेटिन बम बनकर फटेगा। यस सर। हेलो मिस्टर शिवा, आखिर ये क्या कर रहे हो तुम?
सारा बम स्क्वाड पूरी पुलिस फोर्स को पूरे शहर में घुमा रहे हो, कितनी परेशानी हो रही है पब्लिक को? सर फोन पे धमकी मिली थी। क्या कहा? ऐसे फर्जी कॉल पर यकीन ही क्यों किया, पहले ही पता करना चाहिए था ना। सबको रोको और जल्दी दफ्तर में पहुंचो। सर वो फर्जी कॉल नहीं था, बम यहाँ पर मिला है। क्या कहा? बम एमएलए साहब की गाड़ी में था सर। एमएलए ठीक तो है ना? एमएलए साहब बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन अफसोस मैं उनकी गाड़ी को नहीं बचा पाया। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे भागो भागो यहाँ से, चलो। तुझसे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, है ना? फिर क्यों टांग अड़ाई? बम तलाशने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की, जिस जाबाजी और ईमानदारी से आपने अपनी ड्यूटी निभाई, वो काबिले तारीफ है। इसी तरह जनरल सिंह की हुकूमत को तबाह करने में आप लोग मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे? सर इससे पहले उसे किसी अफसर ने नहीं ललकारा था। आपके इस काम में हम डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे सर। क्या बात है, इन्होंने मुझे इंटरकास्ट मैरिज कराने के लिए बुलाया। चलो बाजू हटो जाने दो भाई हो। हाँ दुल्हन कहाँ है? गधे के साथ दूसरा गधा क्या कर रहा है? यही तो दुल्हन है। गधी ही दुल्हन है? बेटा क्या हुआ? लव मैरिज सुना था, अरेंज मैरिज सुना था, इंटरकास्ट मैरिज भी सुना था, और ये भी सुना था कि गधे पर दिल आ गया तो परी क्या चीज है। पर ये तो मुहावरा था, तूने तो दिल पे ले लिया। दो साल से बारिश नहीं हुई है, तो मुझे किसी ने कहा कि अगर मैं गधिया मेंढक से शादी कर दूं तो बारिश हो जाएगी। अच्छा तो बारिश होने के बाद तू इसे तलाक दे देगा? अरे ये क्या बोल दिया? आ गया ना औकात में, इंसान चांद पे पहुंच गया और तुम अंधा एतमाद में जी रहे हो। शुभ मुहूर्त के लिए नारियल फोड़ते हो, बिल्ली ने रास्ता काटा तो रास्ता बदल लेते हो, बेजुबान जानवरों की बलि देकर खुश होते हो और जश्न मनाते हो। एक रोज एलियन आकर हमारी बलि देगा, फिर क्या करोगे? अरे तुम पंडित हो ना, तुम जो करने आए हो वो करो। ठीक है मुझे क्या, मैं अपना काम करता हूँ। ये ले मंत्र तो पढ़ो। अच्छा अरे ये आपने कैसा मंत्र पढ़ा? दुल्हन ने तो दूल्हे फोड़ दिए। फोड़ कर इसने बहुत अच्छा काम किया, अब इसकी ड्राई फ्रूट वाली बर्फी बनाकर सब लोग प्रसाद समझकर खाना, फिर बारिश हो जाएगी, है ना अंधे एतमाद के बाप। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? जो वजह उन्होंने बताई वो काफी नहीं है, आपने उन्हें जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी? जानते हो मुझ पर कितना दबाव है, वो मुझे मजबूर कर रहे हैं, उन लोगों का बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम वहाँ जाकर उनकी सिक्योरिटी संभालो। सर सर क्या हुआ? उनको परमिशन मिल गई। सर मेहरबानी करके वहाँ मत जाइए। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो लोग आपके खून के प्यासे हैं सर। ठीक दो साल पहले ऐसा ही हुआ था, उन्होंने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और तीन चार गुंडों ने मिलकर पुलिस वाले को खत्म कर दिया। हमारा जुलूस बस स्टैंड से शुरू होकर कॉर्पोरेशन दफ्तर तक पहुंचेगा, जहां पर तुम्हारी दुकान है समझे? उस दुकान से सोडा बोतल सप्लाई की जाएगी, वो उनके हथियार होंगे। वहाँ उस चौराहे पर एक गोदाम है, हमें हथियार वहीं हासिल होंगे। जैसे ही उनको हथियार मिलेंगे वो हम पर हमला करेंगे। कलेक्टर शहर से बाहर गया है इसलिए फायरिंग ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है। फायरिंग ऑर्डर देने के लिए शहर में कलेक्टर नहीं है इसलिए फायरिंग नहीं होगी, लेकिन मैं देख लूंगा। जैसे हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे भगदड़ मचेगी और उस गड़बड़ और कंफ्यूजन में शिवा और उसके पुलिस स्टेशन को खात्मा करेंगे। जितने भी जरूरी फाइल्स हैं वो यहाँ पुलिस स्टेशन में ही रहेंगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? तुम नहीं समझोगे। एक और जरूरी बात, कोई भी प्रेस वाला तस्वीर ना ले पाए, और अगर ले भी ले तो उसे सिर्फ धुएं की तस्वीर मिले। ओके मुश्किल तब होगी जब वो कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुंच जाएंगे, वो वहां नहीं पहुंचने चाहिए। डीसीपी साहब ने ठान लिया अब वो पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे डीसीपी से वाकिफ नहीं। जनाब हम यहाँ से हथियार लेकर कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते ही इन पर हमला कर देंगे। ठीक है हमें वैसे करना जैसे सर ने कहा है। हेलो थोड़ी देर में जुलूस कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुँचेगा। हम तैयार हैं जनाब। जैसा कहा है वैसा ही करना। ठीक है हम नजदीक आ गए हैं। ठीक है जनाब एम्बुलेंस तैयार रखना। ओके सर। पुलिस के जुल्म बंद करो, हार नहीं मानेंगे हम, यही रहेंगे लड़ेंगे हम।
लड़े। हक दो, पुलिस के जुल्म बंद करो, हमें हमारा हक दो, पुलिस के जुल्म बंद करो। हार नहीं मानेंगे हम, यही रहेंगे लड़ेंगे हम, हार नहीं मानेंगे हम। निकल ले। किसको हाथ लगा रहे हो तुम? मैं चाल है मेरे। बगैर ऑर्डर के मैं फायरिंग कैसे कर सकता हूँ सर? ये मेरी पिस्तौल और ये मेरी 6 बुलेट्स, मैंने फायरिंग नहीं की। तो फिर फायर किसने की? किसी अनजान बदमाश ने की होगी, इतनी भीड़ में मैं कैसे देख सकता हूँ जनाब? मैंने आपसे कहा था कि इजाजत मत दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब मुझ पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑल राइट, पर अब जल्द से जल्द उस एमएलए को छोड़ दो। जब तक उन तीनों का कातिल नहीं मिलता, मैं एमएलए को नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे खुद के रिकॉर्ड क्लियर है, तुम्हें जनरल सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। नमस्ते साहब। काहे का नमस्ते, मार डालो मुझे, मार डालो। उसने बेकसूर लोगों को मार डाला, अब तुम जनरल सिंह को मार डालो। ये जनरल सिंह किस परिंदे का नाम है भाई? हाय, तूने मेरे आदमियों को मार डाला और कह दिया कि वो दंगे फसाद में मारे गए। जनरल सिंह, इसे कहते हैं नहले पे दहला। कोई गवाह है तेरे पास? अच्छा, तो मैंने जो 4 राज्यों में किया वो अब तू मेरे साथ करेगा? अगर जरूरत ना हो तो मैं सरकारी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं करता। चाकू से तो कोई भी काट सकता है, पिस्तौल तो कोई भी चला सकता है। 2 दिन इंतजार कर। किससे बात कर रहा है पता है? शुक्र मना कि मैं तुझसे मुखातिब हूं, वरना मेरा जूता भी तुम जैसे लोगों से मुखातिब होने से इनकार कर दे। फुटले फुटले। पुलिस का दादागिरी नहीं चलेगी। बाहर जो लोग नारे लगा रहे हैं, मेरे एक इशारे पर इस पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर देंगे। तो फिर पुलिस की गोलियों को चलने से तू क्या तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा? मैं अपने बॉस के लिए खुद को जला दूंगा, मैं यही खुद को जलाकर जान दे दूंगा। रुक जा, अभी तेरी तमन्ना पूरी करता हूं। अपने बॉस के लिए खुद को जलाएगा? ये कुर्बानी कमीने, ये ले, कहां भाग रहा है? 880 वाट का झटका हूं, छुएगा तो राख हो जाएगा। बॉस, उसने हमारी बड़ी बेइज्जती की, हमें कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। देखो जो हो गया सो हो गया, अब हमारे आदमियों को इकट्ठा करो और इसे खत्म कर दो। दंगे फसाद तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन हत्यारों ने तो हद ही कर दी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी ये सोचकर घबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा। इतने सारे पुलिस वाले, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? वो हमारी हिफाजत करेंगे। सबने अपनी बात कह ली, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मालूम नहीं वो ठीक होगा या नहीं। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा खुशहाल रहो, लेकिन यहाँ के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तुम तो तबादला ले सकते हो ना, किसी दूसरे शहर में चले जाओ बेटा। मेरी बात समझे। आप सब जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा, इन्हें और परेशान मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भावना, तुमने मेरी तसल्ली के लिए इन्हें भेज दिया या तुम्हें वाकई मुझ पर यकीन है? अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा तुम पर असर पड़ेगा। अगर तुम्हें 1% भी मुझ पर यकीन नहीं है तो हम आज ही चले जाएंगे। मुझे आप पर पूरा यकीन है और आप जरूर कामयाब होंगे। समधी जी, हम लोगों ने कितना समझाया लेकिन दामाद जी नहीं माने। एक मर्तबा आप कोशिश कीजिए ना।
समधन जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा। भावना तुम्हें डर लग रहा है? तो फिर रो क्यों रही हो? आंखों में धुआं चला गया था। बेटे तुम कहाँ हो? मैं मंदिर में हूँ। सुना तुम्हारा तबादला हो गया है, कोई परेशानी है क्या बेटा? कहो तो मैं आ जाऊँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। सिर्फ दो रोज की बात है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। अपनी चप्पल छोड़ो और मंदिर के अंदर जाओ। लेकिन क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा करो, मंदिर में जाओ। क्यों बे, सोच रहे होंगे कि मैंने गोली क्यों नहीं चलाई? सोचने के लिए दिमाग तो है नहीं। मंदिर का मामला था, गोली नहीं चला सकता था। अगर मंदिर में फायरिंग करता तो भक्त लोग घबरा जाते, उन्हें परेशानी होती। तुम्हारी मैयत निकलने वाली है ना, तो मातम का ढूंढ रहा हूं, समझे? आखिर वहां क्यों जा रहे हैं? शिवा ने मना किया। हाँ मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, जाकर देखाता हूँ आखिर हो क्या रहा है वहाँ। भावना तुम गांव चली जाओ। लेकिन क्यों? सिर्फ 24 घंटे की बात है और मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। कल शाम तक मैं पहुँच जाऊंगा। कौन कौन जा रहा है? सिर्फ मैं जा रही हूँ, संभल के जाना बेटा। ठीक है माँ। बताओ क्या हुआ? सर जनरल सिंह ने शिवकाशी की फैक्ट्री के मालिक आतिश खान से बात की। क्या बात हुई बता सकते हो? कुछ शोर करने के बारे में बोल रहा था। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है ये शोर किसी चीज का कोड वर्ड है सर। जब पटाखे फूटेंगे तो शोर तो होगा ही। कहीं ये शहर में बम ब्लास्ट करवाने की बात तो नहीं कर रहे हैं? चलो देखते हैं, मुझे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अगर वारंट नहीं हुआ तो मैं जीप में भी नहीं बैठूंगा। जीप लाया ही कौन है? 4 कत्ल हुए, उसके बाद दंगा फसाद हुआ, इन सब में तुम्हारा हाथ है। चाहूं तो तुम्हें 12 साल की कैद करवा सकता हूं, और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी खत्म भी करवा सकता हूं। डरो मत, चाहता तो तुम्हें उसी रोज ठोक डालता, उस रोज तुझे भी मौत के घाट उतार देता जिस रोज मैंने तेरे उन 3 साथियों को उड़ाया था। लेकिन मुझे तेरी बीवी और बच्चों का ख्याल आया, इसलिए तुझे बख्श दिया। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करता जा। ओके सर। आज जनरल सिंह ने आतिश खां से शोर करने को कहा, इसका क्या मतलब है बता मुझे? आपके घर में बम लगाया जाए। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम?
डीसीपी साहब के घर में जो बम लगने वाला है वो रात 10:30 बजे फटेगा, और बम लगाने वाला सागर होटल में रुका है। सर हमें फौरन घर। नहीं, बम फट जाने दो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? जनरल सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ यही एक मौका। सर वो हमारी मुट्ठी में है, एक बार आतिश खां को पकड़ लिया तो हम उसे पकड़ सकते हैं। केस कमजोर हो जाएगा, वो अपने सोर्सेज लगाकर बाहर निकल जाएगा। बम फट जाने दो, फिर हम उसे आतंकवादी साबित कर सकते हैं। और भाभी? वो गांव चली गई है। परम, बम 10:30 बजे फटेगा, 10:35 को हम आतिश खान को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। वो किस लिए सर? बम जनरल सिंह ने लगाया है, इसकी खबर महकमे को होनी चाहिए, लेकिन कहां ये नहीं। कोई मेरे बेटे को परेशान नहीं कर सकता। अगर बहू यहाँ रहेगी तो शिवा की सारी तवज्जो उसकी हिफाजत पर ही लगी रहेगी। आप सब लोग हमारे गांव चले जाइए, मेरा आपसे वादा है सब कुछ ठीक हो जाने के बाद बहू को मैं खुद ले आऊंगा। आतिश खान, तुम्हें शहर में पहुंचकर शोर करना है, फौरन पहुंचो। तुमने जनरल सिंह को हाथ भी लगाया तो सीएम मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरा खून पी जाएगा, जरा भी इल्म है तुम्हें? हमने कुछ नहीं किया और बम फट गया तब भी सीएम हम पर प्रेशर डालेंगे, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुमने उसके जुलूस में जो किया ना, ये सब उसी का अंजाम है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय अब क्या करना है ये बताइए। सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो, सबको फोन करो। ये लीजिए चाबी, मैं आपके लिए खाना भेज देती हूं। अरे नहीं बेटी, मैं शिवा के आने के बाद ही खाऊंगा। ठीक है। हेलो, मैं शिवा का पिता बोल रहा हूँ। वो कमिश्नर के साथ मीटिंग में है, कुछ बताना है उन्हें। कमिश्नर साहब के साथ उनकी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, शिवा सर का फोन भी मेरे पास ही है। अच्छा, उनसे कहना कि मैं गांव से यहाँ आ गया हूँ। सर आपके पिताजी का फोन आया था। अच्छा, कहाँ से फोन किया उन्होंने? आपके क्वार्टर से ही था। यहाँ वाले घर से? उन्होंने कहा कि सर वो घर पहुंच गए हैं। ओह नो, देखो मेरे बेटे के ससुराल वाले वहां आ रहे हैं, खातिरदारी ठीक से करना। हो जाएगी। उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल रखना, खासकर मेरी बहू का। कोई जनरल सिंह है, उसने मेरे बेटे को परेशान कर रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनकी जान ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबूजी फौरन घर से बाहर निकल जाइए। लेकिन क्यों? घर में बम है, जल्दी निकलिए। बाबूजी, 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 मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। हाँ मैं भी तैयार हूँ। ये लो अरेस्ट वारंट, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। मैंने पहले ही कहा था आपसे, अब 2 दिन शांत रहिए। घर में आपने बॉम्ब क्यों लगाया? अब वो जख्मी शेर की मानिंद हो गया है। मालूम है उसने आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और आपका अरेस्ट वारंट लेकर घूम रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो एक ही रास्ता है, किसी बिल में छुपकर बैठ जाइए वरना घसीट कर ले जाएगा। hey! क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो मुझे घसीट कर ले जाएगा? अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे आदमी शहर को आग लगा देंगे। जनरल सिंह के लाइफ के चैप्टर में अरेस्ट का चैप्टर नहीं होना चाहिए। ओके, मैं एक मर्तबा और बात करूंगा उससे। हाँ। और सुनो, तुम उसके पूरे खानदान को, उसके चाचा मामा ताऊ सबको मार डालो। उसने उन सबको बाहर कहीं भेज दिया। हाँ? हाँ? सब काम हो गया? हाँ जी। अब जाओ। सर कमिश्नर साहब का फोन है। मिस्टर शिवा, एक अर्जेंट और सीक्रेट मीटिंग है, तुम फौरन यहाँ चले आओ। 8 जिलों के कलेक्टर, एमएलए और मंत्री लोग सब आ रहे हैं, तुम फौरन चले आओ यहाँ पर। ऊपर से ऑर्डर है।
हेलो, मैं डीसीपी की पत्नी बोल रही हूँ। घर का फोन नहीं लग रहा और उनका मोबाइल भी ऑफ है, जरा उनसे बात करवा सकते हैं? सर अस्पताल गए हैं। अस्पताल? पर क्यों? आपको खबर नहीं, उनके घर में बॉम्ब फटा है। ये क्या कह रहे हैं? अरे उनको क्यों बता रहे हो? हेलो हेलो, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है मैडम। ये क्या किया तुमने? आधी रात हो रही है बेटी, भला तुम इस वक्त कैसे जाओगी? नहीं चाचा, अगर मैं आखिरी बस पकड़ लूँ तो सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। देखो मिस्टर शिवा, तुम जनरल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो पॉलिटिकल लेवल पर हंगामा होगा। सॉरी सर, मुझे उन सबकी परवाह नहीं है। उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। अरे भाई, तुम तो यहाँ से चले जाओगे, हमारे लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो? जनाब, 10 साल पहले आप सब्जियां बेचते थे, लेकिन आज आप मिनिस्टर हैं। आपके 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बेहतर होगा आप खामोश रहें। तुम इनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? वारंट इशू होने के बाद भी आप मुझे उसे गिरफ्तार करने से मना क्यों कर रहे हैं? अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हो। हम भी ये जानते हैं कि आज तक तुमने कितनी रिश्वत खाई है। बताओ क्या ये झूठ है? नहीं, हमारे पास कुंडली है, इसमें लिखा है कि तुमने कब और कितने पैसे खाए हैं। ये कुंडली सही नहीं है, इसमें उन पैसों का हिसाब है जो उन्होंने मुझे दिए, लेकिन उन पैसों को कहां और कैसे खर्च किया उसका कोई जिक्र नहीं। अब जरा इस फाइल पे गौर कीजिए। उन्हीं दिनों मैंने वो पैसे गुजरात भूकंप राहत कोष, उड़ीसा में सूखा और बाढ़ पीड़ितों की सहायता कोष और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसी के नाम से जमा करवा दिया था। ये सही कुंडली है। जनरल सिंह कोई अच्छा आदमी नहीं है जिसके सामने खड़ा होकर लदा जाए। जरासंध है वो, उसकी जंघाओं को पकड़कर चीरकर दो भाग करने पड़ते हैं, तब वो मरेगा। यही हकीकत है। तो फिर तुमने जो कत्ल के 30 लाख और एक्सीडेंट के 40 लाख लिए थे, वो कौन से बिल में ठूस कर रख दिए? हाँ, धर्म के काम के लिए। अगर कोई हादसा करता है तो उसे कैद होती है या जुर्माना होता है या छूट जाता है। पीड़ित के खानदान का क्या होगा ये कोई नहीं सोचता। इसलिए मैंने 40 लाख रुपए उस पीड़ित को दे दिए। मुझे हमेशा उनकी फिक्र होती है जो शिकार बनते हैं। पब्लिक का अगर 1 रुपया भी मैंने खाया होता तो मैं सबके सामने खुद को गोली से उड़ा दूंगा। अगर मैं रिश्वतखोर होता तो 2 वर्दियां और 1 जोड़ी जूतों के साथ गुजारा नहीं करता। इसी भर्ती के लिए मेरे बाबूजी ने 25 लाख की रिश्वत दी थी, जिसका सूद मैं आज तक भर रहा हूँ। क्या ये किसी को खबर है? वो सब छोड़ो, तुम पुलिस स्टेशन चला रहे हो या अपना कोई अलग दरबार लगाया हुआ है, समझते क्या हो? तुम्हारे मूड और मर्जी से ये कानून नहीं चलने वाला। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? गुजरात में शराबबंदी है और उसके बगल वाले राजस्थान में शराबबंदी नहीं है। एक राज्य का कानून दूसरे राज्य में गलत माना जाता है। कुछ राज्यों में रेड लाइट एरिया में जाना गैर कानूनी नहीं है और यहाँ जुर्म माना जाता है। हर जाति हर राज्य के लिए अलग कानून। दिमाग खराब हो गया है। मैंने अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। उनके कातिल को गिरफ्तार करने से रोका जाए, ये कौन सा कानून है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता हूं। तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हें उसे गिरफ्तार करने नहीं दूंगा। मुझे धमकी दे रहे हैं? मेरे पिता की 5 औलादों के मरने के बाद मैं पैदा हुआ था, षष्ठ शिवा। मैं उसे गिरफ्तार करके रहूंगा। उसे गिरफ्तार करोगे तो खुद भी मारे जाओगे। मैं आग हूँ, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुम्हारे दिए हैं कि 1 पैसे का हिसाब उसने हमारे सामने रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब अपनी जान खुद ही बचा लो, मुमकिन हो तो कहीं छुप जाओ। दोबारा फोन मत करना। संभाल के। सर यहाँ पर जनरल सिंह की गाड़ी आ रही है। ठीक है, बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है? गिरफ्तार मत करना। लेकिन सर, उसे आगे मत जाने दो। ओके सर। हे, गाड़ी मोड़ो, चलो जल्दी। गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, आपके पास उसका अरेस्ट वारंट है तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं आप? हाँ बताइए सर, आखिर आपको इंतजार किसका है? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है और हमें शाम के एडिशन में इस खबर को छापना है सर। आप ये खबर छापिए कि पुलिस उसे तलाश रही है। इसका मतलब आप उसे पकड़ नहीं पाए? नहीं। सर हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, अब हम बॉडी ले चलें।
जनरल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ही बाबूजी को ले जाएंगे। तब तक उन्हें यहीं रहने दो। ये सरकारी पिस्तौल है, जरूरत पड़ने पर तुम गोली चला देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और आप? मेरे पास दूसरी गन है, परम तुम यहीं रुक जाओ। सर, जनरल सिंह ने गाड़ी बदल दी है। मैं देख लेता हूं। सर, महात्रे बोल रहा हूँ, एमजी रोड से। हाँ बोलो। अभी अभी जनरल सिंह गाड़ी बदलकर हाईवे की जानिब गया है। सर, आगे डीसीपी आपका वेट कर रहे हैं, उनके पास फायरिंग का ऑर्डर है, आप लौट जाइए। हाँ, गाड़ी बढ़ो, चलो चलो पीछे चलो। क्या खबर है? सर, उसे दूसरी दिशा में भेज दिया है। हम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, मेरी जो रेत की खदान है ना, वहाँ जा रहा हूँ, तुम लोग भी कहीं छुप जाओ। सर, वो अभी अभी रेत की खदान की तरफ गया है। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। Thank you.
आओ आओ, गिरफ्तार करो, करो ना गिरफ्तार मुझे। अगर तुमने मुझे गिरफ्तार किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, पूरा शहर आग में जल जाएगा। मुझे एक भी खरोच आई ना तो उन लोगों को सीएम के कॉल आ जाएंगे, वो मुझे फौरन छुड़वा लेंगे, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके बाद तुम इस शहर में ही नहीं, इस दुनिया के किसी भी कोने में छुपोगे तो मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा और खत्म करके दम लूंगा। मुझे जब तक तुम गिरफ्तार नहीं करते तभी तक तुम जिंदा हो, समझे? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो आओ गिरफ्तार करो मुझे। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं तुझे गिरफ्तार कर सकूं? ये शहर जल जाएगा, सीएम का फोन आ जाएगा, मासूम आवाम को तकलीफ होगी, तू मेरे खानदान को खत्म कर देगा। तू कहता है ना कि तू रोज 20-30 अखबार पढ़ता है, आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? आज की ताजा खबर, जनरल सिंह फरार, पुलिस को उसकी तलाश। मुझे फरार होने की क्या जरूरत है, किसी से नहीं डरता मैं। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो आ मुझे गिरफ्तार करके दिखा। अगर तुझे गिरफ्तार करूंगा तो उन सबको तकलीफ होगी जो जिंदा हैं। अगर तू मर गया तो तेरा पुतला बनेगा, तेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा, फिर तुझ जैसे और दरिंदे सर उठाने की हिम्मत करेंगे। अभी तो भगोड़े के नाम से मशहूर है, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन वो तलाश कभी खत्म नहीं होगी। तुझे भगोड़ा घोषित किया जाएगा पुलिस के रिकॉर्ड्स में। ए, देखो तुम वही करो जो कानूनन वाजिब है। तू नेकी को खत्म करना जानता है, लेकिन मैं जानता हूं गुनाहों का खात्मा, यानी तेरा खात्मा। और शिवा की तलाश बदस्तूर जारी है।